एंड में पॉडकास्ट में आया कि पुनीत क्या 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 विचार है क्या करोगे तुम कहता है अनुराग भाई चक्का जाम करना है मैंने कहा पागल है कैसे करोगे यहाँ पे तुम्हारे तो दो हजार फॉलोअर है बोलते mm -hmm. नहीं एक मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है अभी और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा एक के बाद एक मैं बनाना चालू करूँगा पुनित सुपरस्टार इज मिक्स ऑफ क्रिंज क्रिएटर एंड अगेन for the audience cringe i don't mean in a negative sense i have explained in a philosophical way He is a mi mixture of uh, cringe creator and extremely generic um, relatable content yeah. creator yeah. Yeah. kisi picture mein cast scholar ban gaye cast researcher mm -hmm. dahad mein ye kya nayi category hai regarding these surnames how they operate what in what region the caste casteism happen kis tarah se hoti hai कौन से ग्रुप्स के बीच राइवलरीज हो रही है so you give that. बेसिकली पार्ट ऑन रिसर्च यो वॉट इज़ फ्रेंड्स क्या हाल है आपका स्वागत है दोस्त का आज मेरे समक्ष जो व्यक्ति बैठे हैं वो बहुत मशहूर वीडियो एसेस्ट कई लोगों के कैरिकेचर करने वाले सोसाइटी की एब्सरिटी पर हंसने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन में घूमने वाले कवि बोलूँ म्यूजिशियन बोलूँ फिल्म मेकर बोलूँ फ़िलासफ़र बोलूँ क्या बोलूँ कम है लेकिन मैं बोलूँगा कि हम दोनों के बीच जो बिचौलियाँ हैं वो पुनीत सुपर हैं और आ, हम दोनों ही राजा गुजर के आप गुजर गुजर सब कल्चर के शौकीन हैं दोनों इंटरनेट की एप्सरिटी को देखते हैं आ, इनका बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट है अनुराग माइनस वर्मा वाला तो थोड़े बारे अपने अपने बारे में एक दो शब्द आ, अनुराग भाई मंच पे आके बोलेंगे फिर मतलब बोलना क्या है लेकिन खुद के बारे में बोलो कुछ भी कुछ जो आपको लगे अपने बारे में मेरा नाम अनुराग है और इंटरनेट पे लोग मुझे अनुराग माइनस वर्मा के नाम से जानते हैं और मैं एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हूं और मेरा एक पॉडकास्ट है अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट जी तो इनके साथ जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, उसको सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा इन थ्री टू वन भाई ये तो बताओ लूजरिज्म क्या है लूजरिज्म बेसिकली काफ़ी चीज़ों से कनेक्टेड है फिलोसफी ऑफ नियलिज्म से भी कनेक्टेड है लूजरिज्म इज़ समथिंग वेर यू डोंट एक्सपेक्ट यूनिवर्स टू गिव यू समथिंग देर इज़ नो एक्सपेक्टेशन And uh, there is also a uh, joy in the failure because in the life you are going to fail most of the time. So, loserism is a, basically a state of uh, joy even when you are failing. So, that's the essence. I had never heard this word before. I just heard the word of Big ki ki dude uska, oh, is which, which is very close to his, he's a, he's a loser. If we do it in Wikipedia, in related articles, we will get loserism and loser I am writing a manifesto on manifesto जो भी नए लोग हैं उनके लिए कि बेसिकली व्हाट इज़ लूज क्या मतलब उस उसके किरदार कौन है क्योंकि आप अक्सर रैंडम ऐसे अर्पन इंडिया के स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी पर डालते हो उसमें नीचे लिखा होता है क्या है इसकी लूजरिज्म की मैं समझ नहीं पाया lose... कि मतलब क्या वो ऐसे सिसिफियन टाइप की चीज़ है या फिर कुछ नहीं है मतलब भाड़ में जाए सब कुछ हाँ बेसिकली ऐसे लोग जो सक्सेस हुए नहीं है सक्सेसफुल मतलब जो मेन स्ट्रीम आइडिया ऑफ सक्सेस है और अपनी लाइफ जी रहे हैं और उसके अंदर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं सो लूजरिज्म क्रेंज दे आर ऑल्सो वेरी सब जॉनरा और क्रिंज इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड बाय द वे लोगों को लगता है कि क्रिंज बहुत ही गंदा नो क्रिंज इज बेसिकली वैन यू आर क्रिएटिंग समथिंग एंड यू आर नॉट सेल्फ अवेयर ऑफ इट और यू आर किलिंग योर सेल्फ समटाइम देट इज़ ऑल्सो आइडिया ऑफ क्रिंज फॉर एग्जाम्पल ईगो डिप्लीशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बींग जैसे पुणी सुपरस्टार वो खुद को मार रहा yeah. yeah. है <laughs> <that is cringe. laughs> so uh, मतलब मैं एक बेटा हूँ एक बाप हूँ एक जिम्मेदार नागरिक हूँ या मेरा सेल्फ वो खत्म हो रहा है मैं एक के लिए या एक, एक जो जो क्या कहते हैं एंटरटेन करते लोग उसके लिए अपनी छवि या अपनी सेल्फ इमेज जो हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं ना कि आई एम सो एंड सो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ लोग हंस पाए ऐसे तो देखा जाए तो कंज्यूमर्स एंड आल्सो फाइंडिंग सो so, इसमें दोनों ही एलिमेंट है तो क्रिएटर अपना पर्पस फाइंड कर रहा है और ऑडियंस अपने पर्पस फाइंड कर रही है तो इस इसलिए मुझे जब भी इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि क्रिंज uh, के अंदर आते हैं आई रियली गेट एक्साइटेड दैट पर्सन इज अ अफ ही इज़ हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद द सेल्फ एंड द ऑडियंस आई आई डोंट लाइक द मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर बिकॉज दे आर हैविंग नो कॉन्वर्जेशन विद द ऑडियंस और द सेल्फ बोथ आर डेड बट क्रिंज क्रिएटर इज समबडी हु इज़ हैविंग अ कॉन्वर्जेशन एंड देर इज़ सेंस ऑफ अ फ्रिक्शन इन दैट एंड विच इज़ वेरी इन्जॉयबल ऑफ नॉट अचीविंग समथिंग हाँ जैसे मैंने रिसेंटली वीडियो देखी जिसके अंदर एक औरत का पति दारू पी के आता है सारे वो खाना वाना फोड़ फोड़ देता है देखी होगी शायद वो वीडियो हुँ. नुकसान कर देता है तो वो फिर भी कहती है हेलो गायस देखिए इसने क्या कर दिया है मतलब उसके पिए हुए पति के उनके डोमेस्टिक डिस्प्यूट के अंदर भी उसको हैलो गायस करना रोते रोते दिखाने के लिए कि इसने क्या कर दिया है है ना उसके अंदर एक नो अपसेड हाउस वाइफ बट मैं बड़ा एक मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने और आपने साथ में विक्की डॉन कैडी चीज़ का आर्क फॉलो करा बट जैसे कि बॉबी कटारे के आर्क को एक सक्सेस मिली राजा गुजर के आर्क को सक्सेस मिली यू <coughs> नो you know, मैं बोलूंगा इवन uh, आजकल जो वो दिस लिटिल बिच वाला जो बंदा आया जो कुत्तों से कुत्तियाओं से बात करता है उसके आर्क को ऐसे विक्की डॉन बड़ा इनकन्स्टेंट रहा अपने आर्क में उसको ऐसी सक्सेस नहीं मिली जैसे कि हमें देख के आनंद आए हाँ वो एक्चुअली दैट इज अबाउट एक वायरलिटी जो होती है इंटरनेट की पीपल थिंक दैट वायरलिटी कैन बी रिक्रिएटेड बट द आइडिया ऑफ वायरलिटी इज़ इट सेल्फ वेरी एक्सीडेंटल थिंग Hmm. वो आपको यूनिवर्स ने कुछ दे दिया खटाक से दैट इज़ अ ग्लिच इन द यूनिवर्स वायरल इट इज बेसिकली लाइक दैट तो विक्की डॉन को थोड़ी पता था कि वो जब बोलेगा विक्की डॉन केड़ी चीज प्यार बुक को तो उसको नहीं पता था कि इसके साथ ये होने वाला है नाउ ही गॉट सो मच एडिक्टेड टू दैट दैट वायरल लाइन दैट ही इज रिपीटिंग एंड थिंकिंग दैट ही विल गेट वायरल अगेन बट इट डजन हैपन लाइक दैट वायरलिटी इज़ वेरी एक्सीडेंटल थिंग जैसे कि इफ़ यू रिम्बर दैट डब्बू अंकल कौन है डब्बू अंकल वो जो गाना आया था ना बीच में डांस डांस वट वॉज दैट सॉन्ग आपके आ जाने से जाने। अरे दैट डब्बू अंकल दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से गोविंदा की तरह ही वॉज डांसिंग एंड एक्सट्रीमली वायरल सलमान ने भी अपने शो में बुलाया तो उसको जब लगा कि अच्छा इस दान से वायरल हो सकता हूँ तो ई स्टार्ट रिपीटिंग बट दैट रिपीटेशन में यू कॉन्ट इट्स क्रिएट ग्लिच इट्सिटी इज ग्लिच विच कैंट भी रिक्रिएटेड उसी उस येट आर फ्रेंड पुनीत सुपरस्टारुनित सुपरस्टार इज मिक्स ऑफ बींग्रिएटर and again for the audience cringe i don't mean in a negative sense i have yeah. explained in a philosophical way He's is a mi mixture of uh, cringe creator and extremely generic um, relatable content yeah. creator he is a strange mix of both so he'll do both the things when the absurdity fails he will say archal

इन आर कंट्री और आई थिंक बाहर भी uh, किसी भी आर्टिस्ट को आप उसकी एब्सर्डिटी के लिए एक्सेप्ट नहीं करते यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ अ वेरी जेनरिक स्टफ लाइक इसने स्कोरे, ये तो अच्छा बंदा है इसने गरीबों को थोड़े पैसे दिए हैं इज़ ऑल्सो डॉक्यूमेंटिंग इट फॉर फॉर वायरेलिटी इन एवरी थिंग तो लोग उसको देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छा बंदा है इसको दे रहे हैं देन हीज माईट बी गुड सो दिस आइडिया ऑफ मॉरेलिटी एसोसिएटेड विद दी सर्टन आर्टिस्ट दैट through the easy uh, you know, gestures of or these kind of easy gesture. so omar audience to but may you know it is also possible that Puneet might not be a good person i'm not saying hmm. he's not a good person but there can be a possibility just by yeah. this act how can you define uh, a certain people and will you accept him then that yeah, if he is a cunning person if he he doesn't care about अदर पीपल दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ देट सो बट हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ही मो होने में सो दैट ना सी सी लाइक दैट दैट सी हेज बींग ह्यूमन संस्था द एक्सप्रेस ऑफ गाड़ी <laughs> मेरे पुनीत ने फैस करा था कि यार ऐसे पुनीत ने कह करा था किसी पेज पर मैंने देखा था कि कोई कह रहा है कि मेरी मम्मी की डेथ हुई कह रहा है पेटीएम को दो हज़ार रुपये चूंकि

ठीक है और वो जगह जगह जाता था मुझे आपके लिए भगवान ने भेजा है आपका ये खरीद लूँ तो क्या खरीदने था वो? कुछ भी बोलता था अगर मैं ये सारे पेन खरीद लूँ तो अच्छा हाँ उसका ये वाला सीन था हाँ वो तो उस पर कुछ मार्क्सिस्ट मीम भी बने थे मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी खरीद के रीस डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो। <laughs> 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 वो इट वॉज द रोड कि आप चैरिटी लेके बॉलीवुड तक कैसे पहुंच सकते हो बट दैट डजेंट वर्क एट ऑल इफ यू थिंक अबाउट इट बट कमिंग बैक टू पुनीत आपने पुनीत को उस टाइम पे इंटरव्यू करा अपने पॉडकास्ट पे जब पुनीत सिर्फ टिकटॉक फेमस था आप स्टार्टिंग yeah. से डॉक्यूमेंट hmm. करते हो जिस hmm. तरह से हम लोग एक दूसरे से कुछ कुछ आर्स डिस्कस भी करते हैं इंस्टाग्राम डीएम अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा बोलेगा ये किस तरह के रिसर्चर हैं ये इसकी कोई रहेंट पी एच डी इन दिस ऑब्स्योरिटी राइट यू कॉन्ट से हम दो स्कॉलर बैठ के पॉप कल्चर को इस तरह से उसका विश्लेषण कर रहे हैं बट आपने पुनीत को उस टाइम में इंटरव्यू करा जब कोई नहीं जाता था उसको बिल्कुल टिकटॉक पे Hmm. मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना था एंड उस टाइम में ही इट वॉज नॉट पोस्ट फेम पुनीत इट इवन फ्रेम पुनितियल वेरी रियल अल्ट्रा रियल राइट वो आपने उसे डिस्कवर कैसे करा एंड लेड यू टू से यार मैं करने वाला हूँ मैंने उस टाइम पे डिस्कवर किया था ऑब्वियसली जब लॉकडाउन वगैरह वो चल रहे थे और उसका एक वीडियो आया था जिस जो मैंने देखा और आ, वो शायद गुड़गांव पुल के नीचे चिल्ला रहा था या yeah! ऐसे करके चिल्ला रहा है और वो बाइक पे बैठा और चिल्लाए जा रहा है यार sure. ah! ah! वो रुक ही नहीं रहा तो मैंने कहा व्हाट द फक इज दिस विजुअल यार तो मैंने कहा दिस इज द स्क्रीम ऑफ एग्जिस्टेन्स वो देख के और वो एक एडवर्ड uh, मंच की शायद पेंटिंग है किसकी स्क्रीम uh, if, uh, ऐसे वाली हां बिल्कुल फक मैंने कहा oh, ये तो वो वाली चीज है uh, फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है देन आई वाज वेरी इंट्रीग फिर uh, किसी दो तीन लोगों ने शेयर किया फिर मैंने उस पर एक दो मीम बनाए कि मी आफ्टर विजिटिंग क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट एट आई एच सी बट एनी वेज वहाँ पर मैं गया फिर uh, मैंने देखा मन कहा दिस इज समथिंग दिस इज़ प्योर लूजरिज्म लाइक दैट हिट ऑफ प्योर लूजरिज्म जिसमें आपको गोसबम मिल जाए कि आप जो एक कैरेक्टर आपने दिमाग में बिठाया था इट्स uh. लाइक नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड दोस्तों एसकी का कैरेक्टर मेरे दिमाग में तो ये वाले जैसे इतनी हाँ हाँ यूरोपियन सिनेमा के जो जो लूज़र हैं कावरस की की फिल्मों के जो लूज़र हैं लाइक मैंने कहा दैट इज़ समथिंग ही सी इज़ राइट देयर एंड फिर मैंने कहा चलो इट माइट बी वन और टू वीडियो काइंड ऑफ थिंग जैसे वायरलिटी का मैंने बोला था एक दो वीडियो फिर मैंने उसके पेज पर पे गया और पाँच छः घंटे लगाए मैंने पेज पे एंड द इज नथिंग हैपनिंग अभी तो होता है इसका पेज पे yeah. उस टाइम पे देर नथिंग इन द पेज वो एक जगह बैठा है दो उसने अगरबत्ती ले रखी है कान पे और ऐसे बैठा है yeah. और पीछे कुछ साउंड्स आ रही हैं मैंने कहा ये तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा चल रहा है यहाँ पे सो आई कनेक्टेड विद डैट तो फिर मैंने वो देखा फिर मैंने कहा ये तो कुछ बहुत एप्सर्ड है इज अ वेरी डार्क एंड आई व्यू पुनीत एज अ डार्क एंड आई डोंट लाइक दिस this new version of uh, Lord uh, I, I, I hate it I really hate it like it's it's very very uh cringeworthy thanks to his uh, uh, audience so uh, but he is essentially a very absurd and uh, dark uh, dark uh, uh, character so which is because uh, then they will have a may have <laughs> have a different opinion or anything because there's also a violence of kindness you know Uh, when you are too you think that uh, you will be kind to someone or he, they are very kind to someone and that person now has to behave accordingly to your kindness but the person are also very complex people for example बाबा का डावा में लोग को लगा रहे बाबा means baba ko acha hi hona hai सब को लगा कि बाबा को अच्छा ही होना है, uh, बाबा, अच्छा ही है। तो बाबा, बाबा का base nature हो आ रहा है हाँ बाबा के base यार complex he is a human being uh, so how can you expect a saint just because he is from uh, a certain uh, certain background we should give him um the uh, privilege of anger and privilege of uh, frauding others as well so <laughs> so anyway huh. so I, I i got little distracted so uh Puneet Kahan, so for that i i was very i mean amazed by his uh Behavior, then I connect, started connecting him with the TikTok. I realized he was in TikTok, TikTok bandhoga, so he's acting as a digital refugee basically on Instagram. <laughs> digital he's, refugee. he's like a digital <laughs> refugee trying to find a place here. And on this app, how will he find the place? Because the app is surrounded by people who are from certain class uh, privilege and you know, uh, uh, caste privilege. So that that time I thought, how how is going to work here? सो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इस जर्नी कि इसके साथ होगा क्या वट इज इज ट्राइंग टू डू दिस थिंग्स ऑन दिस एप विच इज नॉट मेंट फॉर हिम सो दैट्स हाउ आई इंटरव्यू में और मुझे काफी गाली भी पड़ी उसके लिए कि क्यों? अरे यार आपका तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो तो <laughs> वो कह रहे लोगों को धीरे धीरे समझ आया मैंने क्या इज इज समिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई न्यू ही इज गोइंग टू गो समेयर उसके एंड में पॉडकास्ट में आया कि पुनित क्या 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 विचार है क्या करोगे तुम तो कहता है अनुरा भाई चक्का जाम करना है मैंने कहा पागल है कैसे करोगे यहाँ पे तुम्हारे तो दो हज़ार फॉलोवर हैं बोलते नहीं एक मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है अभी और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी तो फिर उसके बाद में शुरू करूँगा एक के बाद एक मैं मनाना चालू करूँगा मैंने कहा चलो बेस्ट लेकिन हाँ ही रियली लाइक वॉट ही ई ही गॉट इट सो फॉर देट आई रियली आई एम हैप्पी फॉर फॉर देट या, मैं मेरे को एक आपने पॉइंट करा था उस पे बात करनी है उससे पहले पुनीत की यूट्यूब देखे? कुछ देखे मैंने वो में बट ना पुनीत ने ऐसे ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी उसके ऊपर कि मेरे पापा मेरी मम्मी को सिगरेट से जला जला के मारते थे ऐसे तो, से, ही से है? तो मैंने एक दिन बहुत कंसर्न में पुनीत आपकी इतनी मेरे मन में ना वो एक इमेज बन रही थी नो वंडर हीज लाइक दिस उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है कितनी हार्ड रही है ठीक है मैं उनको आ रहा है क्या जाना मुझे पता ये कॉन्डेंट करना पड़ता है ऐसे मैं डिसमिस कर दी सारी बातें और वो जो कहानी है ना मेरी बहन को मैं दारू पी के मारता था वो इतनी रियलिस्टिकली बताता था इवन आई बॉट इट फॉर फॉर ओ वॉल कि हाँ यार ऐसा होता था ना टोटली totally तो लोग वो समझ नहीं वेरी <laughs> स्लाइटली ज yeah, yeah. <laughs> हम पब्लिक फिगर्स को देते नहीं है और खासकर अगर आप बिल्कुल नीचे से उठाए आपको तो बिल्कुल नहीं देते बिकॉज आपको हमेशा ही परपेचुअली गरीबों का मसीहा बन के रहना है यू नो होली और धंधाओ या आपको अगर <laughs> चार पाँच हजार ब्लैक मनी के मिल रहे हैं कोई ऐसे ऐसे आप नहीं करोगे वट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑडियंस अगर आपको उठा सकती हैं इस लेवल पे तो आप पे भी एक वो इंसेंटिव है यार अब मैं ऐसे ही मेंटेन करूँ अब तो मैं लॉर्ड बन चुका हूँ जैसे ऐसा कुछ हो चुका है बट योर आई थिंक हम ऐसे करते हैं किसी के लिए अब वो मोस्टली उन्हीं पे आता है वो, वो जो कि थोड़े जमीन से उठ के आते हैं लोग या फिर जो थोड़े फाइनेंशली वीकर होते हैं उनको वी डोंट वी थिंक देस दे बिलोंग टू दिस देन वी हैव आर डिज़ायर पुट ऑन दैम इन अ वे कि हाँ उनको इसी टेम्पलेट्स में बिहेव करना अच्छा बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया कि अपने तो तुम्हें बुलाया नहीं बाबा तो तो देट इज दी या ओवरऑल एटीट्यूड दे वॉन्ट टू बी एक्स्ट्रा नाइज वॉन्ट टू बी रेलिवेंट टू सोसाइटी एंड एवरी थिंग सो हाँ देट इज़ देर या आपने <clears throat> एडिटिंग की पढ़ाई करी एफ टी आई के अंदर ठीक है और आप जे एन यू भी गए और आपके फिर जो वीडियो एसेज हैं वो उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी नीच बननी शुरू हो गई जहाँ पे आ, आपने थोड़ा वो रवीश वाला वो स्टाइल <laughs> यूज़ करा प्राप्त रवीश करा। वाला है नहीं वो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है नहीं रवीश है? तो आई डोंट वॉच रवीश तो फॉर डिफरेंट रीजन आई एल एक्सप्लेन लेकिन ये जो स्टाइल है ये आया था मैंने भी सोचा कि कहाँ से आया इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स ऑफ द फिल्म मेकर कॉल्ड मनी कॉल सो उनकी एक फिल्म है दुविधा तो दुविधा uh, विजयदान देता के नॉवल पे बनी हुई एक फिल्म है तो उसमें लाइक ही हैज दैट वॉइस ओवर बरगद के नीचे भूतों का निवास होता था फिर भूत भूत नीचे आया मैंने उसे बेशुमार चांटे जड़े तो <laughs> उनका ये स्टाइल था फिर फिर उनका स्टाइल uh, ये जो वॉइस ओवर का स्टाइल फिर अमित दत्ता जो मेकर करें आ, मेरे फेवरेट हैं तो उन्होंने उन्होंने भी अपनी उसमें यूज़ किया उस तरह का वॉइस ओवर की बरगत के नीचे मैं चला करता था नानी मेरी उस समय परियों को आ, ये फूल खिलाया करती थी और उसकी सब्जी बनाया कर तो वहाँ से इट लाइक आई रियली लाइक दैट कि आप इतनी सीरियस चीज़ें भी चलाट नरेशन एंड सटल ह्यूमर इन दैट इवन दैट सौभाग्य प्राप्त हुआ दैट थिंग

प्रिविलेज में तो फिर भी वो वाला फील आता है सौभाग्य प्राप्त हुआ एज इन लाइक यू आर वॉकिंग एंड समबडी समथिंग ड्रॉपिटी हो you. गया यूनिवर्स गेव समथिंग टू यू इट्स अ ग्रेटिट्यूड काइंड ऑफ अ थिंग a humbling moment so i really like that feel the second part about it, the ravish Kumar, bolte ravish but i don't watch not because the ravish is good or bad but because i make it news video but come to that ravish wali jo cheeze, they are, may, might be good for general people but mm. like i don't find anything i find it very uh, generic and something which i can which i would like to um, this kind of knowledge i like to take from a, a book Other or sources. news newspaper which are more detailed rather hmm. than that which is aimed at a certain audience so yeah personality centric ke beyond fact centric matlab ki matlab sa samachar hai le lo no. uske upar i don't like that cult Haan. building of a cult and uh, mm, yeah that i don't चलो ये तो बताओ मेरे को आपकी आप इन दोनों आप एफ टी आई गए आप जे एन यू गए पर आपका इस तरह से वीडियो के माध्यम से लोगों को डॉक्यूमेंट करने का स्टाइल कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुंसिस जिन्होंने आपको इस पर अट्रैक्ट करा पहले तो आप, आप मेरे को बताया आपने हम आप बहुत पहले बात कर रहे थे आपने बताया वर्सोभा में भी आप कुछ समय रहे और आपने नॉर्मल एज ए फिल्म एडिक्टर आपने काम करा वॉट लेट यू टू गो फ्रॉम सो ऑफ बींग बिहाइंड द कैमरा एंडसिंग टुगेदर फुटेज टू एक्टिवली ये नरेशन वगैरह करना इट वॉज एक्सीडेंटल थिंग मैं वहाँ पे ब, जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो आई वॉज वर्किंग विद ब्रीफली वर्किंग विद नीरज नीरज घेवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ मसान सो वॉज मेकिंग सीरीज फॉर एमेजन तो दैट टाइम वर्किंग विद हिम दैन फिर लॉक ऑल द व ये भी इंटरेस्टिंग है कि मेरा कभी काम करने का किसी के लिए इच्छा नहीं थी आई ऑलवेज थॉट इफ आई वर्क फॉर समबडी दैन दैट आई लॉस द बैटल ऑफ द लाइफ लाइक आई डेंट वॉन्ट टू वर्क फॉर एनीबडी आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क फॉर माई ओन थिंग बट Uh, obviously, Bombay. Mein it it was like things were hap not happening as I was planning, and it was slightly bad period as well. Yari weird time Although, और, I was writing poetry books, and uh, I also published two books at that time. Mm. Uh, one was uh, love in the time of pokemon, uh, which was a poetry book, and the other one was a collection of sh a short story on dating culture, which was i love you but only on weekends. so these two books i published. Mm. Uh, but Log, I mean, can people buy these books? are they still available? i'll I'll make it uh, available in sagar bank. yeah, yeah. i mean, <laughs> people are asking me since some time, but um, i don't know. But i mean, that that's a different kind of self, which. I I don't know if I want to, mm. uh, but, but uh, anyways, I'll I'll figure that out. But um, yeah, at that time I was uh, working, and uh, because of the lockdown, um, there was no work. Or I said, I got to Then what what will I do? So that time I was watching a footage of my village. Um, uh, job. राजस्थान मेरा एक विलेज है सो वो देख के मुझे बड़ा आई मीन इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक आई डोंट नो है वेरी इट केम फ्रॉम इट वॉज लाइक मैं फुटेज देख रहा था दिस साउंड स्टार्टेड कमिंग कि ये एक मोर है मोर नाच रहा है मोर क्यों नाचता है इस वैज्ञानिक बोलते हैं कि मोर बे नाचता है कुछ लोग बोलते हैं बारिश की वजह से नाचता है बिना बात बेवजह नाचता हुआ एक मोर समथिंग लाइक दैट विच इज़ वेरी बेसिक बट देवर सम I personally found some beauty in that. So I started, oh man, some beauty in it. And and that's also a Eureka moment for artists when you discover a form. Because all your life you are struggling for a form, like which is the best way you can express, mm. which is the way which is very closer to yourself where, where you can express. So I was struggling, and the first time that thing hit me really when I, when I um, wrote it and uh, put it, I said, this is my style. Mm. This is not something which I. Borrow, which is like a copy of something or anything this is something which 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 is my style Uh and also if if you look at that training of uh, fta and these uh, films th these are like you have to speak less let the visual show everything and there are rules which are also i was breaking and that also made me free like i'll do whatever i want to do because the world is also ending there is like outside <laughs> you don't know if you are going to live so that also gave me a push to create so I think yeah, I started at that time and then after that, I started creating because I got some strange high, uh, which is still there to some extent. Yeah, so th that's how it started at, at that time. And also the good part was that um, I can create something and I can release it on um, internet and uh, there is an instant reaction to that. Mm -hmm. I really like that thing that uh, I spot on that spot. कोलेबरेटर में फिर उनके कोलेबरेशन इज समथिंग सो मैनी ईस ओपिनियन उनका फिर एक बैलेंस बनाना विच शायद अगर मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता हैरी वेल एंड इट इज ऑल्सो वेरी क्लोजर टू पोएट्री आई ट्रीट इट एज अ conversational or a street poetry kind of a thing i try right. to uh, create some rhythm in it so which is which is also an essence of editing editing is basically rhythm it's not about how good their cut are or these cut but a good art film at least art film kind of uh, editing is essentially creating a rhythm which people can relate to maybe they can't relate to the character or anything but that rhythm can गो uh, डीपर your subconscious योर सबकॉन्शियस सो या some वो the आइडियाज which i which i स्टार्टेड और फिर तो घूमने लग गई काफ़ी सारी फिर कुछ मोदी वीडियोस भी चलने लग गए फिर रॉनी मल्होत्रा कुछ बन गए एंड लाइक स्टार्टेड हैपनिंग बट आई आई लाइक आई पर्सनली लाइक क्रिएटिंग वीडियो डायरी मोर देन एनीथिंग एल्स देन पॉडकास्ट है चलता रहा आपने इससे पहले और कौन से कौन से फॉर्म से एक्सपेरिमेंट करा आपने स्टार्टिंग में बोला ना भी कि बड़ा मुश्किल होता है एक अपना फॉर्म ढूंढना जैसे मैं आपका स्टाइल नेचुरली जैसे अगर एक कंटेनर है तो उस कंटेनर में परफेक्टली फिट आता हूँ और मेरे को उसमें अंदर बाहर जाना बड़ा इजी है इफेक्टिव है मेरे को उसके लिए कुछ काम नहीं करना येस यस इट्स तो उससे पहले आप किस तरह के स्टाइल से एक्सपेमेंट कर रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिटर में सो रहा था आपसे बहुत सारी शॉर्ट hmm. uh, फिल्म बनाई मैंने दे आर मेनी शॉर्ट फिल्म विच आई मेड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो ब्लैक मिरर से बहुत पहले की थी टू hmm. में उसकी स्टोरी ये थी कि उस टाइम में नए नए यूट्यूब के ऐड आने शुरू हुए थे तो मैंने कहा कि आपके जो ड्रीम शुरू हो रहे हैं उसमें पहले ऐड आएगा देन योर ड्रीम्स विल बिगिन एंड देन <laughs> तो वो क्योंकि एक कंपनी वो एक्सपेरिमेंट कर रही है लोगों पे कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको ड्रीम अगर आप चलाना चाहें बीटा मोड में है वो कंपनी अभी तो आपको पैसे मिलेंगे तो एक बंदा उसको ले लेता है आ, कि हाँ लो ऑप्टिन फॉर इट लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके ड्रीम में जो ऐड आ रहा है जो बंदी है वो उसकी एक्स थी जिसकी मेमरीज वो भुला चुका था बट अब उसकी वजह स्लीपलेस है पूरी सिटी के अंदर That was the theme uh, in 2010, which I made. The film didn't came out well because obviously it's a <coughs> little bit sci-fi kind of a theme and उसके लिए बजट चाहिए सो आई वॉज आई वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग लॉट 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 मैनी थिंग फिर हॉस्टल का कमरा बनाई मैंने जे एन यू के अंदर एक फिल्म बनाई थी उसमें अबाउट um, uh, uh, वो थोड़ी वो लोगों का और ये जो मार्क्सिस्ट सा मैंने um, मजे लिए थे तो उनकी इग्नोरेंस कास्ट को लेके उस पर तो वहाँ वो वो मैंने बनाई थी कुछ बता सकते हो क्या बज बदलिए थे वो है अभी ऑनलाइन फिल्म हाँ, रिलेक्टेंटली मैंने डाल दी क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे तो वो दैट इज़ देर उसमें वो एक बंदे को हाई नहीं मिल रहा होता तो फिर वो रूम पे डांझा जा वांझा पी रहा उसको हाई नहीं मिल रहा फिर अचानक बैकग्राउंड में लाल सलाम की आवाज़ें आती है एक गेट हाई वो डांस करने लग जाता है चार मिनट तक उसका डांस है उस पर एकदम <laughs> और आर फोटोज़ ऑफ अम्बेडकर एंड अम्बेडकर से वो कहता है ये, ये कौन है यार समझ नहीं आ रहा फिर उसकी एक बंदी भी होती है वो कहती है यार लगता है कोई टीचर है फिर वो कुछ बना रहे होते हैं सिगरेट का रोल वगैरह फिर देखते हैं गांधी की फोटो है दे रिक्नाइज गांधी सो so बेसिकली हमारी स्कूल में अम्बेडकर को हमें उतना पढ़ाया नहीं जाता गांधी हर जगह नोटबुक में होता है तो वॉज कमेंट ऑन दैट सो या दीज वर सो आई आई नी मैनी फिल्म एट दैट टाइम एडिटेड मैनी फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी एडिट की स्टोरीज um, काफ़ी मैंने लिखी um, बहुत सारी अनपब्लिश मेरी स्टोरीज हैं अभी भी तो ऑल uh, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेरसराय में रहता था दिल्ली में हुँ. अपने बहुत ही ज़्यादा लूजर फेज के अंदर टू थाउजेंड टेन में दैट टाइम ऑज वर्किंग इन कॉलेज दिल्ली में बेरसराय साउथ दिल्ली का सबसे सस्ता एरिया है विच इज़ अ ट्रांजिट फेस ट्रांजिट एरिया इन अ वे जहाँ पे बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए या फिर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए अच्छा। जो कालू सराय कालूसरा सराय जिया सराय दिस दिस एरिया सो दैट टाइम आई लिव वाज वर्किंग इन दी इन दी कॉल सेंटर एट दैट टाइम तो एक क्वेश्चन बोल गया क्या हम किस दो हाँ, so, हाँ. so uh, मेरी इच्छा थी कि बेरसराय के लूजरिज्म पे जो यहाँ का कजहब का लूजरिज्म है वहाँ क्या लूजरिज्म है वहाँ पे एक छोटी सी वॉल्स बनी हुए हैं स्टूडेंट हैं और वो भी टेम्परली आते हैं सो बेडसराय पर किसी का हक ही नहीं है एक तरह से दे आर टेम्परली कमिंग देर एंड देख तो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते होंगे एन पी सी टाइप वो ज्यादातर जाट है जो किराए पर देते हैं अच्छा तो वहाँ ख़ुद भी नहीं रहते तो वो वाकई में ट्रांजिट एरिया ट्रांजिट एरिया इट्स अ ट्रांजिट एरिया क्योंकि लोग कुछ समय के लिए आते हैं फिर किसी का सिलेक्शन हो गया तो निकल गया और जिसका नहीं हुआ वो रह गया सो बेसिकली स्केपिंग बेर्सराय इज़ अ फॉर्म ऑफ सक्सेस स्टेइंग इन द बेरसराय इज़ दैट यू फेल्ड इन द सोसाइटी सो एनी एट दट टाइम फेसबुक तो उतना था नहीं और कुट का टाइम था तो वॉल्स वगैरह पे वहाँ पे कोई ना कोई वो लगे होते थे जैसे कुछ बेचने के लिए कि मेरे पास एक गद्दा है क्योंकि लोग जा रहे हैं आ आ रहे आ हाँ। आ रहे हैं हैं जा रहे हैं मेरे पास एक गद्दा है बेचने के लिए इकोनॉमी चल रही है हाँ, तो वहां पे की। वहाँ मैंने एक बार देखा कि मेरे पास चप्पल है एक आठ नंबर की एक दस नंबर की मैंने कहा इट्स अ वेरी वियर्ड कुछ बोलते आई पी एल का टिकट ले लिए थे अभी नहीं जाना है एग्जाम आ गया क्या करे कोई किसी को चाहिए तो ले वो लिखा हुआ है वॉल्स पे लिखे वॉल्स पे चिपका देते वॉल ऑफ शेम बोलता था मैं उसको तो वहाँ पे तो वहाँ पे ऐसे लगे हुए रहते थे और स्टूडेंट्स वगैरह वो सब लगा देते थे फिर वहीं पे एक मीट की शॉप हुआ करती थी तो इस तरह की तो इट वाज अ वेरी वियर्ड एंड एंड लोग भी वहाँ एब्सोल्यूट बोर्ड में रहते थे बिल्कुल हाँ, मतलब तो उसमें बेसिकली शाम को आप बाहर आ रहे हो सुट्टा उट्टा लोग पी रहे हैं और लोग को देख रहे हैं इधर उधर यंग लड़के हैं तो वो बेचारे ज़्यादातर मतलब वो कुछ और कुट पे प्यार ढूंढने की कोशिश रहे हैं इस तरह के साइबर कैफे तो बहुत ही वाली जाँपे किस, जाँपे, जाँपे किसी को कुछ नहीं मिल रहा इतना हाई मिला दिसर आई बिलोंग एट दैटेटराय डायरी लिखना शुरू किया उस पर मैंने पांच साल लगाए ऑन द नावल ऑन बेर्स राय तो ऐसे लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ बट कुछ निकल नहीं रहा देन आई रियलाइज मैं लिख क्यों नहीं पा रहा फिर मुझे लगा मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है फिर वो चला जाता है और मेरी जो एक्साइटमेंट है इट बर्स्ट में आती है एकदम एक्सप्लोजन की तरह देन इट गोसो द टॉक अबाउट द फॉर्म वैन आई डिस्कवर दिस फॉर्म विच इज़ परफेक्ट टू माई छोटे कॉन्सेंट्रेशन के लिए और वो बस्ट उसके लिए कि ये तीन दिन में ख़त्म हो जाते हैं वीडियो ऐसे तीन या चार दिन में उसके अंदर आई कैन फुल्ली फंक्शन उसके बाद मुझसे नहीं होता सो आई आई मेड डायरी ऑन बेस बेसराइ वीडियो डायरी विच वॉज कम्प्लीटली वॉट एग्जैक्ट वॉट आई वॉन्टेड टू से सो टॉकिंग अबाउट डिस्कवरिंग अ फॉर्म आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द राइटिंग फॉर्म फॉर फाइव सिक्स ईयर्स आई कूडन कम्प्लीट बट दैट फॉर्म वॉज समथिंग विच वॉज क्लोज़र टू माई सेल्फ और वहाँ पर मुझे काम भी नहीं करना पड़ा इतना ज़्यादा और वो बिल्कुल परफेक्टली वो चीज़ जो मेरे अंदर थी काफ़ी टाइम तक वो उसमें वो हो गई या फिर कोई नारगढ़ का जैसे है जयपुर के नारगढ़ पे आई वाज ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन जयपुर नारगढ़ के बारे में वहाँ पे नारगढ़ फ़ोर्ट है जहाँ पे रंगे बसंती की शूटिंग हुई थी ऑल दो नारगढ़ फ़ोर्ट को एक रंग बसंती ने डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरह से डिस्ट्रॉय एज इन वहाँ पे बियर वाला जो सीन है ना रंगदे बसंती में जहाँ पे वो बियर पीते और नीचे गिरते हैं तो लोगों ने उसको बियर स्पॉट बना दिया अभी पूरी जगह पे ट्यूबॉक की बोतलों के टुकड़े हरा हरा हरा, हरा 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 पहले किसी को लगेगा पुराने जमाने का कोई अवशेष है लेकिन लिटरली सारा हरा है वहाँ पे नीचे है क्योंकि वो ट्यूबॉक की बोतलों के लोग वहाँ पे जाके दारू वारू ये सब करने लग गए तो ये चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी थी मैंने कहा देखो एक सिनेमा एक पॉपुलर मीडियम है वो किस तरह से किसी जगह को कन्वर्ट कर देता है देन आई मेड इट आई ट्राइड राइटिंग इट बट फाइनली आई मेड इट थ्रू वीडियो डायरी एंड दैट इन दैट फॉम आई एक्सप्लेन एवरी थिंग वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन सिं सो मनीट्स द होल थिंग अबाउट ऐसे और कौन से सब कल्चर हैं क्योंकि मैं जब फैजाद में पढ़ला बढ़ रहा था तो वहाँ पर यू नो ये सेक्स ड्रग्स इन ड्रॉक एंड रोल के आसपास का कल्चर उभर रहा था थोड़ा बहुत तीन चार लोगों के अंदर जो फॉरम पढ़ के बोल रहे थे कि यार हम कहाँ कुछ स्कोर कर सकते हैं क्या कुछ हो सकता है हमारे लिए तो हम अपना समय अंडर पास होकर नीचे बिताते थे जहाँ पर मतलब घटिया सी सब्ज़ी मिलती थी घटिया से चिकन कटता था घटिया से बार बार होते थे और वहाँ पर इलीगल दारों की तस्करी भी होती थी और इलीगल सामान बिकता था पर अगर वहाँ बैठ जाओ ना पूरे दिन कोई कहेगा नहीं यू विल नॉट फील आउट ऑफ प्लेस और वो भी अब मैं देखूँ आपके लेंस से एक लूजरीजम की जगह थी ऐसे और कौन से सब कल्चर क्योंकि आप भी कई जगह पर रहे हो आपने पिछले पूरे साल ट्रैवल करा है जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत हो रही है बाई द वे लूजरिज्म से याद है जो फ्लैन्यूर का कॉन्सेप्ट है फ्रांस हाँ हाँ हाँ, में वॉकिंग वॉकिंग वो दैट्स लूजर नो एमलेसली इज सो हमारे यहाँ उसको बहुत ही बेकार चीज़ समझा जाता है टाइम खराब हाँ। कर रहा है वहाँ पे इसको क्रिएटिव वो समझा जाता है तो बट um, uh, uh, इस तरह की जगह यार आई डोंट नो ट्रैवलिंग में आपको दिख जाती है किसी किसी बट जगहों से भी ज़्यादा इट्स लाइक सडनली मीट समबडी वैन सी ज दिस नॉट सम लाइक इज देर सम एनर्जी इन सर्टन सर्टन पीपल जो कि आपको रेंडमली मिल जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई एल टेल यू जब मैं बॉम्बे में था इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तो शाम को एकदम मैं काफ़ी उदास सा ऐसी खड़ा था बीच के पास में और आ, किसी कारण वश उदास उदास था तो एक बंदा आता है मेरे पास के था एक्सक्यूज में ही बोलता हाँ तो आपका नाम क्या है उनका अनुराग अनुराग फिर सिगरेट डालता है अनुराग आपको क्या गर्व महसूस नहीं होता मैंने कहा किस बात पे कहता है कि हम इस वक्त खड़े हैं वर्षों हमें अब सोचो ना बचपन में हम लोग क्या 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 करते थे बचपन को सुग... याद करो मैं बचपन में क्या करते थे ने। ने। फिल्में देखते थे ये सब करते थे आपको चाल याद था आपका वो नहीं नहीं कह रहा बचपन में हम ये देख करते थे तो वहाँ पे देखो हम अमिताभ बच्चन को देख के पले बढ़े हम गोविंदा को देख के पले बढ़े और गोविंदा और अमिताभ बच्चन इस समय हमारे पाँच किलोमीटर के रेडियस में है आपको घर फील नहीं होता कहा यार ये तो ये तो है बट देट सम लाइक स्ट्रेंज किक ऑफ मीटिंग स्ट्रेंजर्स Hmm. who have, who can uh, find some kind of value and source to be happy even when nothing is working out. I really like these kind of people. aapko to motivational speaker bahut pasand honge fir वो तो झूठ है ना nonsense. <laughs> तो उनको कुछ motivational का मुझे वो ब, uh, concept ही I don't like that much. So that's a different thing. Because आजकल मैं देख रहा हूँ यार 22, 21, 21 साल में लोग दुनिया को समझ चुके हैं. <laughs> मतलब दे आर सो कॉन्फिडेंट एंड नो एवरी थिंग विच विच आई आई लाइक वनरेबल स्टेट ऑफ माइंड वेर यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड आई लाइक दैट बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज देर इज़ नो ऑनलाइन एटलीस्ट इंडियन इंडिया के और हम भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट्स पर रहते हैं बहुत कॉमनलिटीज़ के बाद भी लेकिन सर्टनटी रिवॉर्ड की जाती है वनरेबलिटी से अगर गोल है ना कि

लाइक like, जो लोग बोलते हैं ना आर्टिकुलेट है बहुत आर्टिकुलेट so, like, uh, में कुछ फ्रॉड कर रहा है इवन दफलाइन वर्ल्ड इज मेड लाइक दैट दैट यू हैव टू फेक कॉन्फिडेंस हाँ अगर हम अपनी अनसर्टेंटी खासकर एक अजनबी से मिले जब वो पूछ रहा है आपने किसी अकॉइंटेंट से मिले तो अगर आप अपने प्लान्स को हाफ बेक तरीके से बताओ या फिर इस तरह की आप बात फिगर आउट कर रहा हूँ तो फिर उस बंदे के पास आपके लिए कहने के लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी कि इसके तो ये प्लान है मैंने इससे ये सुना बट दैट्स दैट देो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ फील्ड फॉर एग्जाम्पल इन आर्ट वर्ल्ड काइंड ऑफ इनकोहरेंट बींग इनकोहरेंट और बींग इवन बींग अंडर कॉन्फिडेंट लिटिल नर्डी दैट इज बींग्रिशिएटेड अ लॉट सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑब्वियसली इफ ये मोटिवेशनल स्पीकर मेरे को ज़्यादा पसंद था बट इन इन दैट दैट फील्ड सिंस आई कम फ्रॉम दैट दैट बैकग्राउंड एंड मेरे मोस्टली उन्हीं से लिमिटेड हैं तो उसके अंदर आई आई लाइक पीपल हु आर मोर honest and less strategic in 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 that sense but at the same time are driven by something uh, some fire within them which is mm. which is killing them and they want to do something get out of it at the same time if i find these kind of individual i, I really respect them even if they are not successful or anything that doesn't matter जब आपने बताया आप कॉल सेंटर की तरफ जा रहे थे काम वाम करने के लिए आप, बेर सराय में रहे थे, आप छोड़ थे, हाँ। डेस्टिनी बनाने के लिए, दिल्ली आए थे तो उस टाइम पे मतलब अब तो, मैंने तो मेरा सेंटर <laughs> है, एक है, और एक वन द कॉल सेंटर है मशहूर चेतन भगत की तो वही पढ़ के वही पढ़ के है <laughs> दो हज़ार दस ग्यारह सिक्स के टाइम से इट्सार्टेड इमर्जिंग आई थिंक टू टू थाउजेंड फोर और सिक्स ईजी मनी बी पी ओ एट दैट टाइम और बूम था उस बी पी ओ का तो टू थाउजेंड टेन में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी उस टाइम का बी पी ओ इज़ आज के टाइम का कंटेंट क्रिएशन एवरीबडी एवरीबडी वॉन्टेड टू यू नो नॉट एवरीबडी बट इट वॉज जस्ट टेम्पररी थिंग बिफोर यू गेट समथिंग इन योर लाइफ बी पी यू में काम कर लो मतलब और वहाँ पर आई रियली वॉन्टेड टू गो टू समी मेरा ये था कि ये जो जयपुर की मोरलिटी है और जयपुर का जो कॉन्जरवेटिज़म है विच आई रियली हिट एंड मुझे फ्री होना है सो देट देट वॉज द रीज़न आई वेंट टू आई जॉइंट एच सी एल एज अ एक कॉल सेंटर जो कि था नोएडा में नोएडा सिक्सटी आई डोंट रिमेम्बर वन जीरो फोर और समथिंग तो वहाँ पे गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको घर वो होटल देंगे कुछ दिनों के लिए और खाना भी आपको मिलेगा तो मेरे लिए काफ़ी था मैंने कहा रहने को भी मिल रहा है खाना भी मिल रहा है बाकी कुछ लिखता रहूँगा और तो आई स्टार्टेड वहाँ पर मतलब वहाँ पे वर्क तो एटमोसफियर बड़ा ब्रूटल था वैसे वहाँ पे का okay. क्योंकि वहाँ पे डालो ट्रेनर जो था तो उसने बोला या एक्सप्लेन जयपुर एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस दिस तो मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम जयपुर उस टाइम तो मतलब मेरे को इंग्लिश बहुत मैं सर आई एम फ्रॉम जयपुर एंड तो ऐसे बोल रहा, तो रहा है वट इज जयपुर जयपुर स्पीक जयपुर तो मैंने कहा रहा है जयपुर जयपुर बोल रहा है क्या जयपुर तो फिर मेरे से हो नहीं रहा था कि प्रनाउंस उस टाइम तो इज़ लाइक गॉट वेरी एंग्री बोल थ्रो यू आउट ऑफ दिस विंडो राइट नाउ वो फिल्म नहीं थी वो टकले वाली कौन सी फिल्म है वो जिसको ऑस्कर मिला वो बट एनी <laughs> <विप्लाश laughs> uh, uh, so वो था तो उस टाइम पे कॉल सेंटर गया था कि यू कैन जॉइन कॉल सेंटर एंड ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप भाग सकते हो बिना कुछ कहे एंड so गेट वो छोड़ दिया पर उस ट्रेनिंग पीरियड में जब वो आपको ऐसा एक हरासिंग इंस्ट्रक्टर मिल रहा है कॉल करके थे माय नेम इज़ रॉबर्ट आई कैन फिक्स योर क्या मतलब नहीं नहीं इट वाज़ नॉट लाइक दैट इट वॉज कुछ टेक्निकल था मेरा तो टेक्निकल इंजीनियर्स को बेसिकली टेक्निकल उसमें ले रहे थे तो, तो जो फॉरेनर्स के कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ जाती थी तो यू आप उनको कंप्यूटर को एक तरह से फिक्स कर रहे हो कि उसके अंदर कुछ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ करके एक आ जाता था हाउ टू फिक्स दैट एंड एवरीथिंग तो वो मैंने किया वो फिर मैंने छोड़ दिया एक महीने में देन आई वेंट टू अनदर वन तो ऐसे में कर मैंने सात कॉल सेंटर ज्वाइन किए अलग अलग सेवन सेवन कॉल सेंटर ऑफ नो नो इन स्पैन ऑफ फोर मंथ्स फोर फाइव मंथ्स सो आई वॉज लाइक लिटरली रोमिंग अराउंड

तो मेरा उस टाइम पे ये था कि आई वॉज डिलेइंग समथिंग लाइक आई डोंट नो वॉट आई वॉज आई वॉज डिलेइंग समथिंग सो और हाँ इस तरह से सात कॉल सेंटर में नहीं बट अच्छा हुआ उससे मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो थो गई वहाँ पे ज्वाइन uh, करके बट एक पॉइंट पे आई गॉट रियली फेड अप एंड क्योंकि आप मेंटली यू बिकम लिटिल इम्बेलेंसड की हो क्या इधर उधर इधर उधर फिर एक बंदे ने बोला कि एक ट्रिक बताई मेरे को कि तुम एक काम करो कि uh, uh, तुम ये बोल दो तुम्हें तुम्हारे पास चार साल का एक्सपीरियंस है मैंने यार ऐसे कैसे बोल दो मैं चार साल का एक्सपीरियंस है बोला नहीं नहीं तुम बोल दो चार साल का एक्सपीरियंस है फिर तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाती है तीन चार दस बीस हजार रुपये बढ़ जाएंगे उनका तो द कॉल सेंटर मतलब कम्प्लीटली मैसी एट दैट टाइम कुछ भी चल रहा है वहाँ पे तो वो मैंने किया चार पाँच महीने बट आई गॉट रियली फेड अप इन दी एंड कि मैं मैं सोचा मुझे करना क्या है करना क्या रात रात को रात को सात बजे शुरू हो जाता था शाम को वैन आती थी लेने के लिए और फिर चार बजे वापस आते कुत्ते बोल रहे हैं सुबह सुबह के वहाँ वैन में बैठ के सब लोग जाते हैं आई कार्ड लेके ऐसा नहीं होता कि कॉल सेंटर में किसी से प्यार व्यार हो जाता है जो उस तरह का दिखाया है ओन नाइट द कॉल सेंटर में मैंने यही सोचा था बट इसीलिए छः कॉल सेंटर ऐसे ख़राब हो गए मेरे <laughs> 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 तो, तो वो हाँ फिर मैंने कहा क्या है तो फिर वहाँ से निकल के और फिर एक फिल्म मेकिंग मैंने वर्कशॉप ज्वाइन करी तो फिर वहाँ पर थोड़ा कुछ किया फिर बॉम्बे गया स्ट्रगल करने के लिए इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैंने कहा क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा स्ट्रगलिंग फॉर नो रीजन जिस टाइम पे आपने रशियन फिलोसफी पढ़नी शुरू कर दी है जो ये आ गया या फिर और लोगों को स्ट्रगल करते हुए नया ना, ना मैंने uh, 2010 में ही आयाटेड रीडिंग इंजीनियरिंग गॉट कम्प्लीट फर्स्ट मैन बने हुए थे आप भी हाँ मतलब मैं, तो मैं रूम के अंदर ही बैठा रहता था और इंटरनेट uh, कनेक्शन uh, कम था उस टाइम पे तो वर्ल्ड सिनेमा देखता था और मेरा ये था कि दिन की पांच फिल्में देखनी है और इतनी किताबें पढ़नी है दिन दिन की हाँ, दिन की पांच फिल्में अराउंड आई टू वॉच रात बज हो जाती थी पाँच छः बजे तक कैसे ऐसे ऐसे बिस्तर पर बैठा बैठा लैपटॉप चालू है एंड समथिंग छाती पे रखा हुआ है छाती पे रखा हुआ है इधर रखा हुआ है यहाँ पे किताबों के ढेर वो प्रिंट आउट निकले हुए हैं स्कॉरसि का विकीपीडिया प्रिंट आउट ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है जैसे उसका रखा हुआ है तो ऐसे मैंने मतलब बहुत सारा पढ़ लिया एंड इट इट्स नॉट इन हेल्दी वे ऑफिंगजर बिकॉज दैट टाइम यू मिस रीड लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू मिस रीड सर्टन फिलोसफर एंड यू गेट इन टू जोन विच इज़ वेरी डारिच कैन बी रीली उसी के तो मज़े हैं मुझे याद है जब हमने कॉलेज में एक्जिस्टेंशलिज्म की क्लास ली थी तो मैं मेरा रूममेट आ गया उस क्लास में बीच में हम दोनों डिप्रेस हो गए दो तीन महीने के लिए हम इतने डिप्रेस हुए क्योंकि हमने स्टार्ट ही दोस्तों ऑफिस से करा कामू तो एंड में जाके आता है कि भाई साहब होप भी है थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन दोस्तों ऑफ्स की खिड़की गाड़ कौन कौन थे सिमोन सार्ट था कई सारे थे मैं तो फैसने सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग राइटिंग जो कार्य की शैडो साइड वाली बोलते हैं वो दोस्तें उसकी की थी बाकी सबकी राइटिंग में मेरे को तो फ्लेवर नहीं आया पर आई एम यू नो क्या बोलते हैं आई एम अ डिस्पेक्बल मैन और ऐसे अपने आप को वो जो सेल्फ लैशिंग करता है इट डिडंट रियली हेल्प माय मेंटल हेल्थ बट आई एम ग्लैड आई रेड दैट बिकॉज एक बार यू हैव टू वॉक थ्रू दैट फायर फॉर वन आई थिंक इन 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 क्रिएटिविटी सो इवन नीचे फॉर दैट मैटर लोग तो नीचे के सिर्फ आजकल आउटलाइन वगैरह शेयर कर देते थे नीचे नहीं कहा गात था वो 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 कहा था उसकी पूरी किताबें पढ़ो इट्स नॉट इट्स नॉट वेरी ऑप्टोमेस्टिक राइटिंग इधर नीचे की एक्चुअली निहिलिज्म के अंदर भी जैसे निहिलिज्म आजकल काफ़ी ट्रेंडी टॉपिक बन गया कि आई एम निहिलिस्ट आई बिलीव इन नथिंग ऐसे नहीं है निहिलिज्म जो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली जब पढ़ते हैं तो मुझे भी ऐसा लगा आजा निस्ट डिलीव लाइफ डजेंट मैटर है कुछ मीनिंग नहीं है तो मैं काम क्यों करूँ वो समाक दिस थिंग बट नििज़म का भी जो नीचे का था उसका भी एक्टिव नेहलिजम पैसिव निलिज्म दो डिफरेंट वैरायटी थी पैसिव के अंदर देर इज सनेसिज्म देर इज़ नेगेटिविटी लॉट ऑफ नेगेटिविटी नॉट विल टू डू एनीथिंग एक्टिव में वर्ल्ड डजेंट मेक सेंस थिंग्स डजेंट मेक सेंस बट वी हैव टू कैरी ऑन विच इज़ द आइडिया सो बेसिकली दैट इज समथिंग विच इज़ माई फिलासफी ऑल्सो कि Philosophy, as in not my original, but developed throughout the year, mm. is that I don't, I don't have any grand uh, expectation from an event that mm. this event will turn into this and this. Huh. I know this can be completely meaningless, it can have certain meaning, but whatever. Uh, but I, it's my duty to do some certain things, so I, I do it like that. I, I don't um, uh, ex expect something grand, so I don't have. स्पेशल सस्पेंस ऑफ द फ्यूचर यू नो वेन यू आर यंग यू हैव सस्पेंस ऑफ द फ्यूचर समथिंग इज अबाउट टू हैपन बस कुछ दिनों की बात है समथिंगल सोशल मीडिया ऑफ एंटीपेशनो जैसे अभी तो चलो नोटिफिकेशन इतने हो चुके हैं बट सात आठ साल पहले वी वर ऑल ऑल वेटिंग फॉर ई मेल पता नहीं कौन सा ई <laughs> 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 बहुत मजा आता e हाँ. uh, हाँ. <laughs> so uh... तो <laughs> था नॉट जस्ट अलर ई मेलिकल की मेरी पे लिख लिया है कभी बहुत कम होता था पर होता था, था कि पता नहीं क्या हो जाएगा जैसे परिवर्तन आ जाएगा फिजिकल जिंदगी बदल जाएगी हुँ. तो वो uh, हाँ मतलब उसके तो नि, तो निलिजम इस, इसी इसी इसका जो कोर फिलासफी इज बेस्ड ऑन दैट एंड इज बेसिकली सो दैट्स दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एक पर्टिकुलर एज पे आप पढ़ो देन यू कैन आल्सो बिकम वेरी नेगेटिव एंड थिंक ऑफ नॉट डूइंग डूंग द रियल क्वेश्चन इज क्योंकि इन आइडियाज से तो मैं भी मेरे मन में भी इंजेक्ट हुए थे आपने इन आइडियाज से सिस्टमेटिकली अपने आप को डिसइन्वेस्ट कैसे करा क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में जैसे मैंने हंटर एस थॉम्सन आपने सुना होगा नाम फिर पढ़ ली देख ली मैंने कहा क्या है जो अब अमेरिका में हो इंडिया में हो एक ही चीज का परस्यूट है वाइल्ड एडवेंचर फ्यूल्ड बाय अल्कोहल और अदर सब्सटेंसेस क्योंकि उसकी लाइफ जर्नी को आप लिटरली फॉलो कर रहे हो इम्प्रेशनेबल आपका माइंड है yeah. उन आइडिया से डिस करना ना मुश्किल होता है बिकॉज उस टाइम पे आपको कोई चेक नहीं कर रहा होता और आपके नोनेशन इतने रोमांटिक होते हैं इतने सॉलिड होते हैं कि आप उसके टेल एंड उसे यू नो यू चेज इट टेल एंड एंड यू रियलाइज ग्रेट मतलब अमेजिंग मेरी एक तो अलग आइडेंटी भी बन रही है मैं अपने पेयर से काफी अलग हूँ ये सब क्या एन <laughs> की तरह जी रहे हैं मैं तो ये वाली एक फिलसफी फॉलो कर रहा हूँ बट फिर इतने स्ट्रॉन्ग आइडियाज से डिसइन्वेस्ट करना या अपने ही बिलीव्स को अटैक करके एक ऐसी जगह पे आना हुआ जहाँ आपकी एम्बॉडीड फिलासफी थोड़ी स्टेबिलाईज है वो आपने कैसे करना शुरू करा ऑलवेज मेक अ फ्रेंड हु इज टाइम स्मार्टर देन यू यू वन वन मेंटोर फ्रेंड दैट विल कीप इन चेक So I had I had the privilege of having one friend like that. So that is some that demystified a lot of things. That uh, didn't hmm. but unkesat conversation or you are more stable, grounded. This is life. There is also beauty in life, there is a magic in life. But if you it, then accept it and walk. नॉट एक्स लाइक ऐसे मत करो कि अभी मेरे को क्यों नहीं मिल रहा वाई आर यू सो एन शेस ऑल द टाइम मुझे कब मिलेगा क्या मिलेगा जो भी मुझे मिला दैट आई आई एक्सेप्टेड इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर समथिंग बट टू आंसर स्पेसिफिकली आई थिंक इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंटेलिजेंट पर्सन अराउंड टोटली लॉस्ड इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इट्स अ वेरी डेंजरस एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो आपने दिस यर ऑफ वॉचिंग फाइव फिल्म अ डे एंड रीडिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एक तो बेसिक हर इंसान का ग्रेटफुल मूवमेंट आता है ना कभी ना कभी जिंदगी के अंदर कि उससे पहले एक साधारण जिंदगी होती है एक चाह होती है और आप बेसिक बॉलीवुड पिक्चरों के अंदर ही अपने हीरोज ढूंढ लेते हो अपने अपना कोट को छोटा मोटा रेवेलेंट ढूंढ लेते हो समर ऑफ सिक्सटी नाइन में बोल लेते हो तो यही है यही थोड़ा अलग है एंड एन एक सडनली इंटलेक्चुअल एक्सपेंशन का एक ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है और आपके सारे पुराने पैराडाइम्स फूटने शुरू हो जाते हैं अगर आप सो इन्वेस्टेड होते हैं उसके अंदर तो उस एक साल के अंदर आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे आप कंप्लीटली इन आइडियाज से मतलब ये आइडिया आपके मन की दीवारों पर चिपक गए थे मतलब तो, दोस्त वगैरह तो उस टाइम में मेरे थे नहीं कोई भी <coughs> वैसे ही मेरे काफ़ी कम दोस्त रहते हैं उस पर आई डोंट तो हाँ इन्हीं के अंदर आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम काइंड ऑफ मीनिंग और एक्चुअली um, फिलोसफी um, ना इट्स ऑल्सो एन आर्टिकुलेशन ऑफ डिफीट you know <laughs> if you look closely that something is not working and uh, if you see life is not working then you also philosophize and bring out some uh, concept so that's why mm -hmm. in 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 certain um, age of loser we are very much inclined to certain kind of philosophies for mm -hmm. example existentialism like right now i'm not that much into i'm not going to read kamu ever again because i don't find it that interesting but at a yeah. certain age certain kind of uh, things attract you more

एक यूथ समथिंग लाइक एक पर्टिकुलर यूथ के अंदर यू कैन क्रिएट बिकॉज सो या यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर इमीडिएट रियालिटी इन इन्वायरमेंट ऑल्सो सो अभी आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं जो ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी फोर में जो करता था विल डू वी हैव टू ऑल्सो रेस्पेक्ट एजिंग मैं तो जब महारवाना का सब कल्चर एट ऑल टाइम राइज में था मैं पिक्चर ही देखता था सारी की सारी रिशर्ट लिंगलेटर की वेकिंग लाइफ देख ली क्यों you know, सारी खुद सर्च कर रहा हूँ टेन टॉप टेन स्टोनर फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम ताकि मेरे को और वो फॉर्डर मिले उस सब कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए बट आफ्टर वायल यू रियलाइज की आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि थोड़ा इन आर्टिकुलेट रहना बेटर है आई थिंक आई एस अंडरस्टैंड अनस्टैंड आइडिया मोर नाउ कि आप अगर इतनी बिकॉज yeah. आपने आर्टिकुलेट कर दिया देन स्टार्टड बिलीविंग इट या इफ़ यू से समथिंग कि हाँ मुझे ये लगता है देन यू स्टार्टड बिलीविंग दैट लाई कि हमारा माइंड भी इस तरह से सो so, that's why i say don't believe everything what you think because what you are thinking may be not coming from within you so it's, right. a, it's also so that's why I, I try to articulate less because i don't want to believe in that thing so mm. that's a problem with many थोड़ा सा यू चार पाँच स्ट्रॉन्ग प्रिंसि चाहिए जो आप लोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में फेक पाओ तो दूसरे बंदे के अंदर आटे सही कह रहा <laughs> है मोदी जी करते हैं <laughs> <laughs> तो हाँ बट आ, क्या बात कर रहे थे हम लोग भूल गए हम लोग उस फिलोस के <laughs> उस चले गए थे हाँ <laughs> जैसे आप जब अपनी ये फिलोसफी वगैरह कर ली देन आई थिंक इन जनरली व्हेन डिड यू स्टार्ट अभी मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल ही सैटिस्फाइड अपने आर्ट के साथ हो कि तो ये तो गलत होगा क्या नहीं हूं है ना नहीं हूँ तो बट एक डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी या, या एक सेंस ऑफ मीनिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ वो सही है थोड़ी स्थिरता जिंदगी में कब आनी शुरू हुई जनरली आई थिंक वेरी रिसेंटली मैंने स्टार्टेड इंटरनेट पे जब मैं आया पीपल ऑल्सो लाइकिंग वॉट आई सींग बिकॉज उससे पहले विशेष टू थाउजेंड कौन सा जब लॉकडाउन दो तो साल हो गए कितने तीन साल हो गए दो तीन साल हो, तीन साल हो गए तो तो तीन साल हो गए चार तो नहीं हुए यार अभी तो तीन साल हो गए तो दैट टाइम आई थिंक आई गॉट सम कि हाँ अब जिंदगी चल सकती है आई एम डूइंग उससे पहले आई हैड लाइक टू ऑडियंस तो मैंने अपनी ज़िंदगी उसी में निकाली है दो या तीन ऑडियंस के अंदर और उस टाइम पे भी ज़्यादातर आई वॉज बट आई हैड सर्टन काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन कम्प्लीट मैस एंड इनडिसिप्लिन लाइफ कि मुझे डेली कुछ ना कुछ लिखना है डेली आई हैव टू डू सम आई हैड लाइक फोटोग्राफी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फोटोग्राफी के लिए आई टू गो फोटो खींचना एक्सपेरिमेंटल इंप्रेशनिस्ट फोटोज खींचना है उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट था आर्ट हिस्ट्री को पढ़ना है सो आई वाज डूइंग बट दैट थिंग वाज नॉट देर वॉज एंट एनी स्ट्रेटी इन दैट कि आई हैव टू रीच समवेयर इट वॉज जस्ट टू मेक सेंस ऑफ अ डे इट वॉज इन रिचुअल कि भाई मेरे को आज चार पन्ने पढ़ने हैं जो अक्सर सेल्फ हेल्प की प्रिस्क्रिप्शन आती है ना लोगों you know, के पास यू नो आप रीडिंग के हैबिट कल्टिवेट करो

There is a quitters high as well which yeah. i experienced many times <laughs> so so uh, uh, acceptance of defeat can also result into a very happy state of mind sometimes 100% <laughs> once you once you let go of the idea of competing all the time in all domains and you decide here yeah to meri or uskan but it, it sadly those those acceptances and joys are very private पब्लिक के लिए अरे भाई साहब मैं बड़ा खुश हूँ क्विट करके और चार लोगों में आप बोलोगे तो वो आपको बट वो आजकल सोशल मीडिया पे आपको हर चीज़ को अनाउंस करना ही पड़ रहा है <laughs> जैसे हाँ. हमारा है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो लाइक like आप यून इन धर्म कोट और यहाँ पे मैं हूँ कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यू सोशल मीडिया की रियालिटी भी ऐसी है यू फील दैट इवेंट इन इट सेल्फ इज इनकम्प्लीट विदाउट डिजिटाइजिंग इट करेक्ट और टेलिंग समथिंग अबाउट इट

मैंने वो जर्नी भी देखी और बहुत आपने हर्षोल्लास से उसको पूरा डॉक्यूमेंट करा सब कुछ दिखाया तो यू आर इन्वाइटेड बिकॉज ऑफ द परस्यूट ऑफ एबसिटी थ्रू योर वेरियस वर्कस और बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स क्या आप इज नो मार्केट फॉर एबस इट्स वेरी एब्सर्डिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स आई वॉज पॉडकास्ट अच्छा बिकॉज पॉडकास्ट इज समथिंग इज हैज समथिंग फॉर सोसाइटी Absurdity, I don't think has any role in the society or something. Um, so yeah, I was invited for the podcast at uh, Michigan University. Mm. Um, so and then to Harvard University and uh, uh Brandeis University in Boston. So these these three universities were there. So yeah, it was like that. What was your experience in America? Weird, uh, kafi weird, jaga hai. Kafi weird, and wild. Mm. वाइल्ड कंट्री वाइल्ड तो है लेकिन कुछ मैं तो बेसिक कंपेरिजन क्योंकि आप एक अच्छा ऑब्जर्वर हो आप ये सब चीज़ें अपनी वीडियो डायरीज के अंदर ऐसे इसके अंदर भी दिखाते ही हो कुछ ऐसी आउट ऑफ तो द ब्लू चीज़ें आपको लगें जैसे लोग बोलते हैं भाई भाई कोक ज़्यादा मिलती है नहीं वो तो ठीक है वो तो, वो, तो दिख रही हैं बट उसमें काफ़ी सबसे इंटरेस्टिंग है दी आइडिया ऑफ हिरारकी यू नो you know, हम इंडियंस हम हमेशा हिरारकी हमारे खून के अंदर इतनी भरी हुई है कि हम नोटिस भी नहीं करते कि हमें चाहिए कि कोई तो हमारे नीचे अच्छा ये झाड़ू लगा रहा है तो ये थोड़ा सा चाहे तुम कितने प्रोग्रेस ही प्रोग्रेसिव हो तुम्हारे दिल में भी होगा अच्छा अच्छा ये बेचारा झाड़ू लगा रहा है ये इसमें भी अपने आप में हरारिक है कि बेचारे काम कर रहा है समथिंग लाइक दैट तो हमारा पूरा सोसाइटी इतना हिरारिकल लेवल पर बसा हुआ है सो द फर्स्ट थिंग शॉक टू इन यू एस वॉज वेन आई वेंट टू दिस रेस्टरों एट द एयरपोर्ट से उतरते ही और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं फॉरेन में गया था सो so, वहाँ पे वेट्रेस आई एंड उसने मुझे बोला मैन व्हाट कैन कैन आई गेट फॉर यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियल अच्छा मन करे इंडिया man, से एक शॉक लगा थोड़ा सा मैन <laughs> सर बोलो ये कर, ये क्या क्या है हाँ मन कह रही यहाँ पे मतलब uh, क्योंकि एक आपको इंडिया में आप कंडीशन ही ऐसे हो गई कि आप में डिस्टेंस है हाँ, like ये सब स्टूपिडिटी yeah. हमारे देश में चलती है तो वहां पे मैंने देखा उन उसके देर इज लाइक कम्प्लीट इक्वल काइंड ऑफ थिंग विच आई रियली लाइकड जो कि hmm. पहले मुझे लगा कह रहेगा फिर मेरे को लगा अच्छा दिस इज़ वेरी डिफरेंट सोसाइटी है वहाँ पर कोई झाड़ू uh, भी लगा रहा है और क्लीनिंग भी कर रहा है दैट्स ऑल्सो कि उसका ये नहीं कि उसका जॉब है उसको जॉब की तरह देख रहे हैं ये नहीं देख रहे कि वो कुछ है सो दैट 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 आइडिया ऑफ हैविंग नो हिरकी इज समथिंग विच ऑल द ऑबियसली द सोसाइटीज वो भी ऐसी बात नहीं कि हिरार की उसमें नहीं है बट एटलीस्ट ऑन देंट लेवलिक राइट विच आर कंट्री हैज वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग uh, मुझे वहाँ की वहाँ की चीज़ लगी यू एस की अपार्ट फ्रॉम देट आई ऑल्सो डिस्कस देन यू गो इन टू न्यू कंट्री देर इज अटन काइंड ऑफ स्मेल डी डू रियलाइज इट्स नॉट लाइक बैड स्मेल और गुड स्मेल इट्स जस्ट

So were so मैं पहले दिन एन्जाइटी हो गई like, hmm. कुछ होने वाला है so तो मैंने अपनी वीडियो डायरी में लिखा कि शोर के आदि भारतीयों को वहाँ का साइलेंस जन्नाटेदार चाटे की तरह लगता है थिंग बट आई डों बट थोड़ा वहाँ से आने के बाद It, it was also a little disturbing in certain sense. What, what, what disturbing? Uh, even I don't know why, because I couldn't work for many months after coming back to uh, US. I couldn't, my mind got a little disoriented for some time. Like I couldn't, I mean, it was something, uh, let's say in the US, maybe it was a little bit of numb. I It to me, I didn't I what happened, what happened, what happened, what happened I back to what environment and Then it took, I mean, it took me a lot of time.

there was also it uh, uh, put me out sick when you're creating it creativity is also about being in a certain phase in rhythm you know mm. that rhythm breaks down then to get into the rhythm again it takes reverse momentum it takes a lot reverse of uh, uh, not so. time lagta that बट ठीक है दैट दीज आर द मेंटल कॉन्वर्जेशन आई डोंट थिंक दे आर दैट यूजफुलट और वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो आपके आइडियाज से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होंगे तभी उन्होंने आपको बुलाया है ना तो इट्स वेरी सो वोज प्रोफेसर्स लाइक अगेन दे आर इंडियन टीचिंग देर दे थिंक योर योर कॉन्टेंट है was basically in, about society politics that that kind of a thing and it also has a certain um, template associated with it which is like chat GPT kind of a thing <laughs> to be very honest not about professors I'm not saying uh -huh. I mean in general the conversation I realized in certain circles even in the US even in the let's say I was uh, at uh, that the uh, literature festival mm.

Uh, what do you do? I've for for love example, your stuff. for example, in in, uh, in uh, like jaipur literature festival, if you if you meet certain certain people or intellectual, there there's it goes into certain oh oh this this is by the way this is the cloth I purchased from this this in this store and it is very nice well, very nice I saw your talk it was really amazing the way you constructed everything was totally fine. <laughs>

तो आप कैसे रेपो बिल्ड करते हो आप भी तो मतलब गेस्ट से आपको कुछ तो बात करनी पड़ती होगी और भाई क्या हाल है वेदर वगैरह अच्छा है थोड़ा बहुत तो मतलब यह सीधा ही नहीं सीधा ही होता है जाएं जाएं सीधा ही बट नॉर्मली आप गेस्ट में तो डिफरेंट तरह के होते हैं तो कई uh. होते हैं जो Uh, जैसे आर्टिस्ट होते हैं तो उनके साथ तो मेरी बहुत जमती है हाँ. तो हमारा काफ़ी लंबा और उसमें काफ़ी हंसी मजाक और काफ़ी चलता है कुछ सीरियस होते हैं तो, तो उनके साथ फिर यू uh, आप कुछ थीम्स तैयार करके डिस्कस दीज थीम्स पहले से विच इज़ वेरी किस तरह से डिटैचड दोनों ही एक दूसरे से डिटैच हैं नथिंग टू डू विद ईच अदर बट मोर विद द थीम सो दीज कॉन्वर्जेशन आर डिफरेंट बट हाँ यह सही है अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी बनते हैं कुछ बोरिंग भी बनते हैं और ऐसा भी नहीं है कि पॉडकास्ट में जो है उसको आई 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 एग्री टोटली विद एवरीथिंग मीन इट्स कॉम्प्लेक्स बट या एंजॉय एंजॉय मोस्टली अभी it. मैंने आपका रिसेंटली स्टोरी में देखा मैं ही चक्की तरह गया आप किसी पिक्चर में कास्ट स्कॉलर बन गए कास्ट रिसर्चर hmm, दहाड़ में <laughs> मैं मैंने कहा ये क्या नई कैटेगरी है ये एक नया चीज़ याद हुई है तो क्या आप दहाड़ मैंने देखी नहीं पिक्चर मैंने भी नहीं देखी तो उस पर्टिकुलर पिक्चर में क्या आपने ओवरऑल लाइक फ्रेमवर्क दिया कास्ट कैसे ऑपरेट करती है क्या no, 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 आपने एग्जैक्टली व्हाट व्हाट रोल डिड यू देयर मेनी पीपल हु गिव इनपुट्स देयर देयर नेम्स ऑफ मेनी पीपल देयर बट इट्स बेस्ड इन राजस्थान ऑन द कास्ट पॉलिटिक्स सो बेसिकली द राइटर और रिसर्चर कॉल्ड मी थ्रू सो रिगार्डिंग दी सर्न हाउ दे ऑपरेट व्हाट इन व्हाट रीजन द कास्ट कास्टिज्म हैपन किस तरह से होती हैं कौन से ग्रुप्स के बीच राइवलरीज हो रही हैं so तो सो यू गिव दैट बेसिकली पार्ट ऑफ रिसर्च की हाँ कि ऐसा हो रहा है ये सरने में ऐसी लड़ाई हो रही है ये आपके लिव्ड एक्सपीरियंस के आधारित पे है आपने एक्चुअली एक्चुअलीपल रिकॉर्ड वगैरह देखे हैं आप समझते हो कि नहीं मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस पे है खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं इस तरह के काफ़ी सारे तो राजस्थान इज अ कास्ट वॉर बेसिकली राजस्थान इज बेसिकली एक्सट्रीम लाइक जयपुर में इफ़ यू गो टू जयपुर अभी भी जाओगे ब्राह्मण महासभा राजपूत महासभा जाट महासभा पूरा राजस्थान इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस कास्ट वॉर्स हर कास्ट अपनी सुप्रीमेसी हर कास्ट अपना वो करना और वो ओपन है दैट दैट्स लाइक एवरीवेयर यू सी एंड सो राजस्थान में तो यू कॉन्ट अवॉइड इवन इन जयपुर देर इज मोर कास्टिज्म देन माई विलेज रियली और कास्टिज्म ऑफ वट काइंड मैं लाइक जहाँ पर हम लोग रहते हैं जिस एरिया में तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारी बातचीत होती नहीं कि वो ज़्यादातर उसी में मिंगल करते हैं तो या फिर वो बीच में कुछ कमेंटबाजी ये भी होती है कई बार कि कास्ट को ले किसी को इवन जो डोमेस्टिक हेल्पर हमारे यहाँ काम करती है वो भी कई बार बोलती है कि दीदी मैं ज़्यादातर बता नहीं सकती कि मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ और इट हैपन्स ऑन दैट लेवल इट्स लाइक जयपुर इन जयपुर इट है सो so, हरियाणा में तो ये बड़ी कैजुअल फ्रेंडली तरीके से एग्जिस्ट करता है कि एक गांव है इसमें दस गुजर हैं दो ब्राह्मण हैं तो अलग है चार तो, ऐसे यार बाय द वे फर्स्ट गुजर हु इज विनम्र है मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूं <laughs> <laughs> मैं नाम सिकंदर कर दिया है <laughs> ये एक आपका बहुत वायलेंट गुजरों से पाला पड़ा है नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं गुजर मेरे दोस्त थे अच्छे मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी गुजर ही था हाँ। बट मुझे ये जो गुजर सब कल्चर है ना बहुत अच्छा है मुझे आई गॉट एक्सट्रीमली उस पर मैंने कैरेक्टर बनाया था काल गुजर का तो आ, वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था दैट कॉमेडी uh, जो है

तो, तो होता है। when, when Punjabi, वो जो वही तो कह रहा हूं वंस जो ब्रेकआउट मोमेंट होता है ना वो बेस्ट होता है उसके बाद मेरे यारो कहीं तो शर्म करो <laughs> <laughs> वैसे पढ़ो तुम बड़े आदमी तो, मैं मिला था राजा गुजर से ब्रो क्या यार राजा गुजर से मेरे को अपनी सारी जो मैंने लर्नड गुजरी है ना और मेरी जो सारी गुजर सब कल्चर की मैस्कुलिनिटी बोलो या परफॉर्मेटिव गुजर एक परफॉर्मेटिव गुजरनेस होती है मैं मैं परफॉर्म नहीं करता एज अ गुजर ना तो मैं नॉर्मली एग्जिस्ट करता हूँ एज अ पर्सन या मैं अपने प्रोफेशन को आगे करता हूँ या अपने इंटरेस्ट को आगे करता हूँ तो मेरे को अपनी परफॉर्मेटिव गुजरनेस पूरी निकालनी पड़ी और आ, क्या भाई लोजा मुंह तेड़ा करके सारे ऐसे जो भी अग्रीड अपॉन ट्रूथ्स हैं उसकी रियालिटी में उन सब में ऐसे करना पड़ा बिकॉज़ एविडेंट था कि मैं एक शहरी गुजरू हूं और वो भी मतलब कि बेरली हैंगिंग ऑन टू रस्टिक पढ़ा लिखा जो रस्टिक होता है एक गुजरता तो वो डिफरेंस मुझे ही ब्रिज करना है बिकॉज़ इट्स अनलाइकली कि वो अपना फ्रेम छोड़ेगा ऐसा वाला बट ही इज वेरी डिफरेंट ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा और ही ऑलवेज हैज ही केम इन अ फॉर्च्यूनर ऑल ब्लैक शीशे और उनके साथ एक 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 और चीज होती है जब आप एक गुजर महान गुजर बनते हो मतलब एक एक बाहुबली बनते हो तो आपके आसपास कुछ वो होने चाहिए आपके हेल्पर या कॉम्प्लेक्स टाइप के तो यार यार्प्लेक्स जो बेसिकली उनके पर्सनल कैमरामैन का भी काम करते थे अच्छा है फ्रॉम द गुजर बिरादरी ओनली डिफरेंट गोत्र बट वो भी आए कह रहे ये भाई अदृश्य रहते हैं हम कभी दिखेंगे नहीं हाँ मैं काफी क्यूरियस था मैंने शूट कौन करता रहता है हाँ तो वही है बाकी आई थिंक द इज राजा गुजर गोइंग अब्रॉड बट ये uh, was... गुजर का ये जो परफॉर्मेंस थिंग है ऑन सोशल मीडिया इज इटेंट थिंग जब जमीने और ये सब का बूम आया in... मतलब आप चेन पहन रहे हो एंड गुजरनेस को असर्टिव ऑलमोस्ट इसको छत्री आइडेंटिटी टाइप की बना रहे हो फिर एक राजपूतों से भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गया बट मोस्टली एक सोशल मीडिया पर है ना कि हम गुजर हैं हर जगह गुजर लिखवाने क्योंकि गुजर इज ऑल्सो नॉट exactly come into the upper caste correct it correct, comes करे, करे, from करे. the uh, rural background so हाँ. it is trying to go there so when when did it started like you have any memory ki kitne saal pehle mujhe social media se pehle i remember kya hota tha ki it was a very political phenomenon कोई अगर घर पे या आसपास के गांव में किसी घर में कोई बड़ा गुजर नेता आ रहा है हुँ. तो उसके वहां पे वो professionally photographer बुलाते थे हुँ. तो वहां बहुत जरूरी हो जाता था कि अपनी अपनी भावलिता के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर आना इट आनाज मोर लाइक एसोसिएटेड विद अ पावरफुल पोलिटिकल फिगर एंड वो एल्बम छपके आती थी फिर वो एल्बम वगैरह की फोटो घर में लगाते थे कि हम इस इस आज भी होता है जो अनलॉक hmm. तरीका उसे करने का फिर आई थिंक जब से जियो रेवोल्यूशन आया एंड सोशल मीडिया बिकेम इक्वल एक लॉर वेज तब एमर्ज होना शुरू हुआ um, पहले मैंने सबसे पहले जो मैंने डिस्कवर करा था कि गुजर आइडेंटिटी बाहर आई है उस सॉन्ग वन uh, रन एक तो गुजर का छोरा का भी मतलब छत्तीस वर्जन होते हैं कोई भी सुन लो आप रफली सेम जगह ही पॉइंट कर रहे होते हैं वो तो ऐसे ही एक एडी नागर नाम का एक रैपर है उसका एक रैप सॉन्ग प्रथम हेड नोट कर रहा है इमर्ज हुआ था 2012 में या और दो हज़ार नहीं 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 तो ने फिर बाद में सुना है मैंने स्कूल टाइम में सुना था कि एक और मैं वियर्डली जैसे ये एक हिडन चीज़ थी कि मैं गुजरू लोगों को पता नहीं था इन्ह ने क्लास फुल ऑफ लाइक पंजाबीज एंड एवरीवन एल्स तो एक मेरे को बड़ा वियर्ड सा ऐसे जोर कहीं अंदर जाके छुआ कि अब ये एक गारंटी भी मेरे से ऑनलाइन इसके टेंटेकल्स से आ रहे हैं कि आ मुझसे जुड़ जा तो वो गाना ऐसे मैंने देखा था देयर एक्सप्लोर्ड नाउ वी आर इन अ पोस्ट इन्फ्लुएंसर देयर इवन एट इट आल्सो एक नीरज तवर पेप्सू या <laughs> उनका एक लेजेंड

Uh -huh. kind of a deity kind of a figure yeah. but this this Gujar Rajput dispute was kind of ugly because then uh -huh. I saw the worst of both communities बहुत गन्नी-गन्नी गाली देते अपनी मतलब they sort of ruined it हाँ uh -huh. क्योंकि वो uh, हाँ उसी से

तो दोनों के बीच पंगा चलता है फिर मीना वर्सेस गुजर है mm. ये तो मुझे पता है मीना वर्सेस गुजर इज अ डिफरेंट सब जॉन रहा है इंटरेस्टिंग <laughs> <सब जान्रा> तो <laughs> उनकी बड़ी लड़ाई चलती है सो so, हर कम्युनिटी mm. की लड़ाई चलती है राजस्थान इज परपेचुअली ऑन दैट या बट देयर इज मतलब बाहर से देखने में बड़े मजे आते हैं बिकॉज़ यू एंड आई डोंट गो आउट एंड से कि अब हम अट्ठारह एक कम्युनिटी के लड़के जा रहे हैं एक दंगे में उस चीज़ के अंदर तो इट्स टू सी बट इट्स इट्स वेरी ट्राइबल नो इट इज़ वेरी वेरी ट्राइबल एंड मैंने किसी किताब में पढ़ा था चट हर मधुसूदन की किताब है इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अगर एक यादव के लिए कुछ कह रहे हो तो आप सिर्फ एक यादव केंगे या पूरी यादव कम्युनिटी के लिए कह रहे हो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने इंडिविजअली एक बंदा है इसका नाम है जैसे रिंकू यादव इसको कुछ कह दिया तो मतलब उसको कहने तो का तो मतलब है पॉलिटिक्स में हुआ था मोदी के लिए कुछ कहा था उन्होंने पूरे ओबीसी को गाली दे दी है तो राहुल गांधी ने कहा था मोदी के लिए मोदी लाइक नहीं कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं टाइप का हा? तो उन्होंने कहा ओबीसी जबकि ओबीसी होते भी नहीं बट या हाँ वो तो वो तो इंडिया का है एक एक कैरेक्टर ऑफेंड होना बट ऑफेंड होना भी ऐसा कुछ है नहीं इंडिया के अंदर कि पीपल आर रियली एंग्री देर इज ऑल्सो सेलिब्रेशन इन बींगे वगैरह देखते हो देख इंडिया के अंदर वो भी है, so, <laughs> है कि mm, yeah. आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें कास्ट कॉलरस का आप इंटरव्यू करें काफ़ी कुछ करें वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली राइट एंड I'm going to completely espouse my ignorance and say I have no idea what Savarna means. I often see Dalit voices and they say this Savarna trash. I'm often at loss of words. So, savarna basically upper caste. Achha, savarna, Avarna, Savarna which Savarna, upper caste. You've met people from the same generation. You know Dalits going out in different fields. What do you see? What do you see their problems are? What do you see? Problems, what, do you see ki, what are they fighting for? yeah a basic fight though it's a fight of dignity human dignity hmm. so casteism is basically certain people are not fit for association hmm. not fit for being human being it's so ugly if you look at it like it will destroy because then you're there is no existence somebody say you are not human what is left so Correct. it's a basically a fight of dignity and then obviously economic and many other criteria will come into so that that's a fight in which which is i mean still it is going on and uh, yeah i mean there are i mean it's very broader topic so i couldn't talk that much about it but uh, i'll tell you the recent podcast that i recorded uh, with a with a guy from uh, uh, mumbai so wo uh, tis ke andar us us time pe, and he was also working as a sanitation worker at bmc फैमिली का यही था कि बीएमसी के अंदर वो काम कर रहे थे तो उसका कचरा उठाना और ये सब करना उसके अंदर भी वो फाइटिंग टेस्ट उसके अंदर भी वो स्टडिंग और ये सब उसका चल रहा था तो um, हाँ मतलब इफ़ यू सी दैट स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ सर्टेन पीपल आर पुस्ट इन टू द मार्जिन और अभी भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है लोगों की कि पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर फॉर अ स्पेस इवन सो but the essence is th this that certain people are not considered as human and uh, it is uh, it is something which hits you very differently if you experience it hmm. so, so which we have, have been trying to it, can't really relate to it no because it's unlike uh, um, anything they can empathize they try their best but they cannot be in the experience where you're excluded that's a it's a state of mind you know uh, where uh, uh i mean uh, it's a uh, i mean <laughs> there are certain memories very yeah. troubling so i don't want to of course don't yeah. we'll yeah. have to get into yeah. that suraj a party rock is he your friend kind of yeah okay my friend so kind what, of not what is he he's doing abroad like is is he is he helping this uh, he he's from harvard uh, uh, university studied there and he's a scholar very prominent scholar so he stay, was living in slum then went to Harvard hmm. so his journey is also very fascinating and he also writes a column for Indian Express hmm. so uh, yeah so he's a very prominent figure and there there are many people who are working on this many people on the ground uh, many nameless people in fact whom we don't even know so yeah as a categorized ये एक दलित राइटर है अब ये इस बारे में बात करेगा अब ये इसका एक नो 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 दैट्स व्हाई आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई एवरीथिंग फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरी कई ऑडियंस है उनको पता भी नहीं है कि मेरा कोई पॉडकास्ट भी है हाँ. जैसे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे दे डोंट नो कि देर इज़ अ पॉडकास्ट एज वेल मेरी कई पॉडकास्ट वाली ऑडियंस है जिनको ये नहीं पता कि मेरा आ, कुछ फ़नी साइड भी है मैं यू में गया था बॉस्टन में तो काफ़ी अच्छे लोग मिलने हैं दूर दूर से तो सब जो काम को फॉलो कर रहे थे तो वो काफ़ी बोल रहे थे कि अरे आपका बहुत हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगता है रिस्पेक्ट वगैरह मैंने कहा, <laughs> <laughs> तो, तो, तो मैं, मैं कहा यार रविश कुमार बताऊँ तो तो मैंने कहा यार फिर मैंने उनको बताया मैंने कहा बाई में फ़नी वीडियोज़ भी बनाता हूँ ऐसी बात नहीं ये तो सीरियस है पॉडकास्ट फनी

इतने तो आप टाइप कास्टेड हो ही नहीं जितना आपने आपको बना रखा है आपकी बात नहीं करना जैसे अगर आप करोगे ना ऐसे कि जी मैं तो एक ही काम करता हूँ बहुत बढ़िया आपको कंसिस्टेंसी की मास्क ले लो पर आपको क्या होगा फिर आपका सारा अनमेट पोटेंशियल कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू हो जाएगा अनकम्फर्टेबली इसी yes. <laughs> <नवल laughs> है ना स्पेशलिटी इज फॉर इंसेक्ट्स यस नवल रवि कांत ने कहा था ये जी अरे में तो आ, वैसे ही है और इस दूसरा ये भी है कि दुनिया इतनी ज़्यादा बोरिंग है तो मेरा जितना भी ये फॉर्म है आर्ट फॉर्म ये बहुत इंटेंस बोर्डम से आता है देर इस लाइक इवन द लाफ्टर द जोक्स आर लाइक सो बोर्ड मैन टू एक नीचे का है दैट मैन सफर सो मच दैट ही हैज टू इन्वेंट लाफ्टर सो सो बट बट एनी वेज बट बोर्डम में इतना है कि यू हैव टू डू समथिंग सो आई ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू फिल टाइम सो आई कॉन्ट स्टिक ऑन वन थिंग लाइक आई कैन बी जस्ट पॉडकास्टर आई कैन बी जस्ट यू नो सम बडी मेकिंग फॉर इंस्टाग्राम आई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू फिल द टाइम पीपल है कहाँ बोर हो सकते हैं लोग जैसे कुछ हो अभी तो बड़ा तो मुश्किल है मुझ्ण। बोर होना अच्छा है पर आई सी दै यू नो आपके आप एक्चुअली अपने उस सबकॉन्शियस को एक्सेस कर पाते हो वोटो में जो आप कभी करते नहीं हो अदरवाइज आई थिंक अगर आप परफेक्चुअली या तो आप फीड्स यूज़ कर रहे हो और फीड्स के लिए बना रहे हो इवन एज ए करिएटर तो आपका जो भी निकल के आएगा ना मतलब सर्फेस लेवल से निकल के आएगा The last thing you read, आपका बायस जो भी चल रहा है ये ये देख लगा लगा दिया वो क्या मैंने करा जब एक्टिवली लंबे लंबे ब्रेक लेने शुरू करे फोन वगैरह साइड करके घूमना शुरू करा आप बहुत घूमते रहते हो तब मैं यार अब अच्छा काम हो रहा है ये कैसे वो भी ऐसा थोड़ा सा मुझे ये भी ओवर लगता है कि बाहर ऑनलाइन सब बेकार है और ऑफलाइन कुछ जन्नत ऐसा है ऐसा नहीं है बट यस यू नीड ब्रेक आप ये तो मानते हो कि ए, हम लोग तो, दोनों ही प्री ऑनलाइन वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट कर रहे थे हम लोग दुनिया भी देखी है तब हमारी क्वालिटी ऑफ अटेंशन अच्छी थी है ना काइंड ऑफ या आई मीन फिल्में देख सकता था मैं फिल्म नहीं देख पा रहा यार क्यों मतलब बोर हो जाता हूं बीच में मैं कुछ देखने लग जाता हूं क्या चल रहा है तो ऐसा मेरा मानना है कि सब कुछ अच्छी बात है सब कुछ करो

ये बड़ा टेम्प्रेरी है दिस जो कुछ बहुत प्यार करने लग जाता है गेट तो गे वेरी स्कैडिक्विक वो अचानक कोई और आपको देखा मैंने पागल हो गया क्या करके फिर मुझे लगता है पक्का गाली देगा बहुत बुरी कुछ टाइम के बाद बिकॉज दैट्सो लविंग इज ऑल्सो वेरी

हमारे क्रिएटर के अंदर भी काफ़ी डिल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारा हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट हैं कुछ हम इन्फ्लुएंसर हैं और हम hmm. हमारी हम, हम चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दैट काइंड ऑफ डिल्यूजन और जो देख रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी तरह के डिल्यूजन होते हैं तो मैं करेंटली आई एक्सेप्टेड इट दैट वी आर बेसिकली अ अमोडिटी इन न्यू लिबरल कल्चर नॉट मोर देन दैट इन्फ्लुएंसर आई थिंक कमेंट जो करते दे आर बिगर इन्फ्लुएंसर यू नो

रो रहा है ऊपर सुरंग लगा रखी है हाँ। रो रहा है रहा तो नीचे किसी तो उसका मीनिंग ही नहीं है ना कुछ एक टेम्पलेट है तो, हाँ। कई कि <laughs> <laughs> तो हाँ, हाँ। चीज मेरे को अच्छी लगी मैंने कहा यार क्या वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो है कोई भी वीडियो नीचे कमेंट देखता तो है उसको एनालाइज कर दिया कि क्या पर मैंने यार

लिखा हुआ था अरे यार गरीब आदमी दो वक्त की मुट भी नहीं मार सकता <laughs> क्या <laughs> खत्म उसकी सारी की सारी गुड समार्टननेस में कमेंट सेक्शन रियली मेक्स यू कंफ्यूज वेदर टू विच इमोशन यू हैव टू फील वो हमारी really जनरेशन का ही प्रॉब्लम है इस जन मतलब ज्यादातर कि वी कांट इंडिविजुअली इंजॉय समथिंग कि मुझे ये चीज पसंद है आपने बोला मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है यार मेरे को ये पर्टिकुलर आर्ट तो फिर आपने देखा नीचे आपको चार लोग गाले दे रहे हैं पागल है इसको पसंद करता है तो इसको करता है फिर या कोई वीडियो देख के हम हंस रहे हैं फिर आपको लग रहा है अरे बड़ा फ़नी है फिर आप कमेंट देख रहे हैं रहे, सब लोग तो गाली दे रहे हैं मुझे क्यों अच्छा लग गया है तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कुछ गलत चीज़ है मुझे कैसे अच्छी लग गई सो आर एबिलिटी टू फील हैप्पीनेस और सैडनेस इज ऑल्सो ऑल्सो

पब्लिक प्रेशर या प्लेटफॉर्म नहीं होता आप सीख देख ही रहे होते हो ah. आप ऐसे मैसिवली एक्सपैंड कर रहे होते हो इट गुड पता है यू नो बिफोर बी कैन थिंग्स आई इमेकुलेट टेस्ट और मैं पॉल ग्राहम की किताब पढ़ रहा था हैकरस एंड पेंटर्स उससे बोलता है आजकल के डिजाइनर्स का काम क्या भाई फंक्शनैलिटी बनाओ प्रैक्टिकलिटी बताओ टेस्ट <laughs> पर बड़ी उनकी वो होती है कि यार यू नो टेस्ट सब्जेक्टिव इज लाइक आई डिस टेस्ट सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होता गुड टेस्ट इज गुड टेस्ट थ्रू आउट दैट्स ट्रू एंड इट इज समथिंग विच यू हैव टू डेवलप एंड देर इज सेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी इन दैट इन 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 टेस्ट सो या आई थिंक मतलब मुझे याद है कि पहले मैं सीपी वाले पिंक वर्ड के पोस्टर लगाता था मैं हाँ सबका फेज बताऊँ जिम मॉरिसन वाला हाँ उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा यहाँ से ग्रेजुएट करें कहाँ जाएंगे इसको बेसिकली एस्थेटिक you yes, yes. के जो कोर्स होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं जैसे मेरे कई दोस्त थे वो सिनेमा को ऐसे ही समझते थे कि अरे क्या है एक एक किसी दोस्त को मैंने फिल्म दिखाई एक कोई आ, एक आर्ट फिल्म तो उसने कहा तो वो उस टाइम पे बॉम्बे में काम कर रहा था दो हज़ार ग्यारह में हाँ। क्या बड़ी बात है यार इसमें उसने कैमरा एक तो यहाँ रखा था फिर दूसरा कैमरा यहाँ रखा था फिर नेक्स्ट शॉट में उसने यहाँ से काट के यहाँ लगाया था तो इसमें क्या बड़ी बात है ये तो छोटे मोटी बात है मैं उसको देख के मन का यार हाउ कैन समी सो डम फिर मैंने उसको बोला कि आ, मैं कुछ बोला नहीं मन का यार सुनो ना एक काम करो तुम तुम, तुम, तुम एक एफ में एक फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स कर लो ना है उससे क्या हो जाएगा मैंने कहा यार कर कर लो एक बार वो पागल हो गया <laughs> तो रॉबर्ट ब्रेसो देख रहा हो देख रहा हूँ बड़ा अच्छा अभी यू कैन माय पॉइंट इज दैट यू कैन डेवलप अ सर्टेन आइडिया ऑफ एस्थेटिक मे बी यू नॉट यू कान एवरीबडी कान बी दैट्स बट यू कैन बी एन अप्रीशियटर कि आप एक प्रशंसक बन सकते हो प्रशंसक बनने में और आर्ट को कंज्यूम करने के अंदर का भी एक जो नशा है वो अपने आप में बड़ा मजेदार अच्छा है अदरवाइज आप दुखी रहते रहोगे इग्नोरेंटली जगहों पे आइसोलेटेड फील करते रहोगे यार रस है ना उसमें रस ढूंढना हाँ। जिंदगी में सारा आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कॉफी को लेकर बड़े शर्माते हैं नेफे पीते हैं देखते हैं लोग एरोस वगैरह यूज कर रहे हैं कैसे थोड़ा सा ही फासला है क्रॉस करना है हाँ कुछ नहीं है बहुत ही छोटा सा है कॉफी okay. का इनफैक्ट कॉफी का हाई भी बेस्ट हाई कॉफी का हाई As आज अपने से, में हमें, हमें हम मिलने का मौका मिला बाकी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपने इतनी आर्टिकुलेटली अपने सारे विचारों को व्यक्त करा थैंक यू एक्चुअली ये जगह भी बड़ी अच्छी है एकदम सोफे पे है ना

और youtube चैनल भी है एक वो मेरा डेड है पता नहीं क्यों कोई बात नहीं उसमें क्या है ये तो नहीं मैं मैं कोई दुख से नहीं बोल रहा इट्स जस्ट डेड एक स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट सो आई डोंट गिव को देता भी नहीं लाइक आई मोस्टली ऑपरेट ऑन instagram instagram uh -huh. that i really like as a app i yeah. think it's a good app for expression if you do too much trend What hacking thing is the music part of it like love it. put music in it that's why yeah. i love it because then एक छोटे-छोटे ग्लिंप्स ऑफ फिल्म्स फिल्म मेकिंग हो जाती है कि यार वॉकिंग समथिंग पुट सम म्यूजिक आई थिंक एज किड्स जो चाहारे होते हैं ना कि यार अब मन में हमेशा पिक्चर चलती रहती है जैसे आप अभी फैंटेसाइज करते हो ना तो आपको कुछ एक गाना आता है और आपको अपनी जिंदगी के बारे में एक सीन याद आता है और आपको मन करता है काश ये वाकई में रिक्रिएट हो जाए राइट वो जो विजुअल चलते रहते हैं

Uh-huh. baby, come down. I really likes like the song. Yeah, it's completely ridiculous and make no sense, and that's the beauty. Yeah, it's like. Uh, मैं तो बोलता हूँ रेमा रेमा ना मैंने उसका क्या तो ना नहीं मैंने नहीं देखा. He is the Altaf Raja of this generation. <laughs> you know, it used to be Akon with belly dancer and whatnot. Akon used to be pre social media का जो सबसे बड़ा वो था ना. Lonely. हाँ. Uh -huh. His song Lonely. It's come back like on reels now, bro. दोबारा आ गया वो. दोबारा आ गया. दोबारा आ गया. Shaggy का जो गाना था ना एक.

डिस्को एरा के गानों में इतना ऑप्टिमिज्म है कि में है ज़िंदगी में क्या डिस्को के अलावा तुम और मैं चल के डिस्को में नाचते हैं? वो जो गाना था ना जिंदगी हाँ, हाँ? You know, के क्लब्स में इतना सुपर हिट हुआ गाना कि जैसे ये ट्यून आती थी टक टक सबको पता था कि हाँग विदय जो आशिम आलू वाले की फिल्म का जो गाना है